हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग डेली जूनियर अकाउंटेंट की एमसीक्यू सीरीज को कर रहे हैं और उसी के नेक्स्ट सेशन को हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हुए अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बेटा हम लोगों ने अभी तक काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन किए हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कोई सिंपल टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और ऐसे ही रेगुलर आप कनेक्ट रहिए और करिए बढ़िया तरीके से, और भी कोई डाउट हो तो उनको बताइए। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग बेटा। चलिए स्टार्ट करेंगे अभी सेशन को, तो तैयार लोग अभी एक दो मिनट देख लेते हैं, आ जाते हैं, उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं इसको। दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी, दिल्ली पुलिस नहीं, वो सॉरी राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, आपको पता ही है। और उसके लिए भी बेटा बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए भी अगर अपन बात करें तो अभी नवंबर दिसंबर में है पेपर दिल्ली पुलिस का, उसमें भी कंप्यूटर तो आ ही रहा है, बट राजस्थान पुलिस की अभी वैकेंसी आई है कॉन्स्टेबल की, और इसका एग्ज़ाम तो देखो कब होता है। बाकी कंप्यूटर का सिलेबस काफ़ी है इसमें, पूरा ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस है इसमें। और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि कंप्यूटर के अलावा इसके अंदर रीजनिंग जो है वो दोनों मिक्सअप है, और दोनों का 60 क्वेश्चन का ऐसे दे रखा है क्राइटेरिया, और एक क्वेश्चन एक नंबर का है वो भी थोड़ा सा इसमें है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग कनेक्ट हो गए हैं बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा कोशिश किया करो कि टाइम पे ज्वाइन कर लो, आप टाइम पे ज्वाइन कर लोगे तो थोड़ा क्विज भी हम लोग टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के सेशन को, और एक बार फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो बेटा जो भी लोग कनेक्टेड हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे भी ध्यान में रहे कि कौन कौन यहाँ पर कनेक्टेड है। हाँ नाम भी जो है मुझे विजिबल हो जाए। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को, और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के जो एमसीक्यू सेशन है उसको हम लोग कर रहे हैं अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन, बिल्कुल नमस्ते बेटा, नमस्ते प्रशांत। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, ये रहा। देखिए, हु इन्वेंटेड टेबुलेटर विच इज यूज टू पंच कार्ड टू प्रोसेस स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए, टेबुलर जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, का आविष्कार किसने किया। देखिए, एक तरीके से ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये पूछ रहा है कि पंच कार्ड, जो पंच कार्ड होता है उस पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है, कि हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड, ये यहाँ पर पूछा है। तो पंच कार्ड यहाँ पर आपको पता ही होगा किसने बनाया, तो पंच कार्ड यहाँ पर बेटा हरमन हॉलरिथ बिल्कुल सही आंसर है, शीतल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हरमन हॉलरिथ ने इसको बनाया था, और कब बनाया था आपको थोड़ा याद है बेटा कब बनाया था, है ना। देखो, हरमन हॉलरिथ ने जो इसको बनाया था ये बनाया था 1887 में, ध्यान रखिएगा बेटा 1887 के अंदर जो है वो इसको बनाया गया था, 1887 के अंदर इसको बनाया था, हॉलरिथ टेबुलेटर मशीन के अंदर इसको यूज किया था। और हरमन हॉलरिथ को जो है ये पंच कार्ड का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ पंच कार्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट करा दूं मैं, कहां से करा दूं सारे सब्जेक्ट बेटा, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो मैं तो कंप्यूटर करवा सकता हूं ना ममता। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जॉइंट इंटेल इज लोकेटेड। कंप्यूटर क्षेत्र के विशाल का एक कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इंटेल कंपनी जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये आपसे पूछा, बताइए इंटेल का हेड ऑफिस कहाँ है, पेरिस में है, लंदन पे है, सिंगापुर में है, या फिर कैलिफोर्निया में है। इंटेल अमेरिका की कंपनी है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। हाँ हरीश बिल्कुल सही है, ये अमेरिका की कंपनी है, और यहां पर अमेरिका की कंपनी है बेटा अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आएगा। अगला देखिए यहां पर क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, व्यवस्थित शासन, मानव संचालित शासन, प्रौद्योगिकी संचालित शासन, या प्रभावी प्रशासनिक संचालन, बताइए क्या है भाई। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है,
ई गवर्नेंस का मतलब। देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रीड आउट करिए और फिर यहां पर बताइए आप। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। देखिए ई गवर्नेंस की जहां तक हम बात करते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो गवर्नेंस की अगर मैं बात करूंगा। बट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तो देखिए चलो ठीक है, दूसरी चीज है, बट अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस नहीं है तो अगर इनमें से देखूं तो देखिए ये होगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी से आपको शासन करना है ना, किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर। मानव संचालित शासन तो नॉर्मल होता ही है, गवर्नेंस होता ही है, बट कंप्यूटर का क्या इसमें योगदान रहा? तो टेक्नोलॉजी बेस्ड मैं कह सकता हूं कि शासन करना वहां पर एक तरीके से वहां की गवर्नमेंट को जो है वो चलाना, एक तरीके से रन करना, ठीक है। अगला देखिए यहां पर क्या है। एमएस पावर पॉइंट 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस एच ओपन्स द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल प्लस टी ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस एम इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, F5 स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। बताइए, ये कह रहा है कि पावर पॉइंट 2007 के है ना कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि एक तरीके से आप ये बता दीजिए, जैसे कौन सा वाला एक प्रकार से गलत है ये बताइए, है ना, या कौन सा वाला सही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके एक्चुअल ऑप्शन जो है वो इसमें टाइप्ड नहीं हो पाए क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा था, ऑप्शन देते तो इसको काफी छोटा करना पड़ता। तो एक तरीके से आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, सही कौन सा है ये बताना आपको, एक प्रकार से राइट कौन सा है ये बताइए आप। बी वाला राइट है, और बताइए बेटा। ये सारी एमएस पावर पॉइंट के हैं बेटा, ये जो शॉर्टकट आप देख रहे हो ये एमएस पावर पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको पूछा गया है कि पावर पॉइंट में इनका काम क्या होता है। ऑप्शन नंबर गलत है बी, बी गलत है, ठीक है। देखो बेटा बी की जहां तक बात है वो बिल्कुल सही है, सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, हाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, सारे के सारे यहां पर सही है। देखिए ये टी मान लिया, पर एमएस पावर पॉइंट में जो टी है ना वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो डुप्लीकेट का तो होता है इसमें ना भाई, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी जो है वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, पर इसमें जाके कंट्रोल प्लस डी हो जाता है डुप्लीकेट स्लाइड का, तो इसका मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का अलग से शॉर्टकट होगा, तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो होता है कंट्रोल प्लस में टी। सो यहाँ पर मेरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, टू जो है, टी जो है ये मेरा थोड़ा यहाँ पर क्या है एक प्रकार से सही है। ऑप्शन यहां पर एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा सारे के सारे करेक्ट हैं, है ना, या फिर आप इसमें कह सकते हो कि भाई कोई भी यहां पर गलत नहीं है ये कह सकते हो। हाँ ऑप्शन इसमें है नहीं, ऑप्शन इसमें है नहीं, क्योंकि ऑप्शन अगर टाइप होते तो क्वेश्चन के फॉन्ट छोटे करने पड़ते, फिर ये समझ में नहीं आता। अगला देखिए, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। अच्छा, उसके ऑप्शन यहां पर आगे डी आएगा इसमें, पहला दूसरा, ये इन्होंने थोड़ा सा अजीब कर दिया है सिस्टम, पर चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग की है। पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। बताइए जो पावर पॉइंट का एक स्लाइड जो है वो विषय यानी कि वो जो आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ वो जो है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है, और साथ के साथ आपको जो है एक प्रकार से संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन जो है वो भी सेट करता है, कौन सा आएगा? लास्ट स्लाइड होता है, मास्टर होता है, या टाइटल होता है, थीम होता है, बताइए। ए कह रहे हैं और सी कह रहे हैं, प्रशांत का बी है, और बताओ बेटा क्या आएगा? देखो यहां पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा मेरा जो है ये आएगा इसमें सी, सी यहां पर करेक्ट होगा, सी करेक्ट आंसर। टाइटल स्लाइड, देखो टाइटल स्लाइड जो होती है ना, ये टाइटल स्लाइड क्या करती है, विषय वस्तु बताती है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी विषय वस्तु क्या है, हाँ सब्जेक्ट क्या है एक प्रकार से, तो वो बताती है टाइटल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए इसमें क्या है। बाई डिफॉल्ट द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, भाई यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट जो है उसकी प्रेजेंटेशन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, पीपीटी होता है, पीपीएक्स होता है, पीपीटी एक्स होता है, या फिर पीपीएक्स टी होता है, बताइए क्या आएगा?
बताइए कौन सा आएगा। देखो अगर मैं बात करूं भाई पुराने, अगर मैं बात करूं तो पीपीटी भी हुआ करता था। हाँ भाई यहां पर आपका जो है देखिए दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ए भी सही है और सी भी करेक्ट है। अच्छा क्यों है? क्योंकि पहले जो आते थे वर्जन जो थे 2003 तक के, उनमें पीपीटी होता था, आजकल पीपीटी एक्स आता है। अब कायदे से दोनों सही है, पर एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में बेटा पीपीटी एक्स चलता है। सो ये यहां पर मेरा करेक्ट होगा, पीपीटी को हम लोग प्राथमिकता नहीं देंगे, उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगला देखिए इसमें क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वाला सही नहीं है बताइए। सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो, एक से अधिक सेट प्रिंट करने के दौरान स्लाइड क्रमवार लग सकती है, एक पेज पर प्रिंट किए जाने वाले स्लाइड की संख्या चुनी जा सकती है, नोट लिखने के लिए स्लाइड को खाली स्थान के साथ प्रिंट किया, मतलब ये आपको सिंपल पूछ रहा है कौन सी वाली लाइन गलत है। इनमें से एक चीज गलत है बेटा, इनमें से एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लाइन है जो गलत है, एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, वो कौन सा बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर जब मैं बात करूंगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए कह रहे हैं आप सब लोग, हाँ बिल्कुल सही है, ए सही है भाई। ये कह रहा है कि सभी स्लाइड प्रिंट करनी पड़े, क्यों भाई, क्यों कोई जबरदस्ती है क्या? अरे भाई 50 स्लाइड है, आप कुछ नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो मत करिए, दिक्कत कहां रही है ना। तो इसलिए ये यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है सभी स्लाइड प्रिंट करनी पड़ती है। नहीं नहीं, सारी स्लाइड प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हम जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है उतनी ही हम इसके अंदर प्रिंट करते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट डज थंबनेल मींस, थंबनेल का मतलब क्या होता है, थंबनेल से क्या मतलब होता है एक प्रकार से। अभी ऐसा कुछ नहीं है सौरभ बेटा, अभी आप देखिए क्या है, अभी ये सब चीजें बाद की बातें होती है, आप पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जब ऑफिशियल कुछ इस प्रकार की न्यूज आएगी तो आपसे पहले हमें जो है इसकी जानकारी हो जाएगी और हम आपको बता भी देंगे, इवेंट भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये सब इधर उधर की जो बातें हैं इन पे इतना ध्यान मत दो, इतना मत लोड लो इसमें। इन एमएस पावरपॉइंट व्हाट डज थंबनेल मींस, इन एमएस पावरपॉइंट के अंदर थंबनेल का मतलब क्या होता है, अ प्लेस होल्डर फॉर अ स्लाइड, अ स्मॉल एनिमेशन फॉर अ स्लाइड, अ स्मॉल पोस्टर फॉर अ स्लाइड, अ मिनिएचर वर्जन ऑफ अ स्लाइड। बताइए स्लाइड का लघु संस्करण होता है या पोस्टर, स्लाइड का एक प्रकार से पोस्टर होता है, कौन सा आएगा बेटा इसके अंदर, यहां पर कौन सा आएगा बताइए, बी और सी, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, बताइए बेटा क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं ना इसमें, तो इसमें जो आंसर मेरा आएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, मिनिएचर वर्जन ऑफ है स्लाइड। मिनिएचर वर्जन मतलब होता है भी बड़ी स्लाइड है, सेम टू सेम इसका छोटा वर्जन है, उसका छोटा रूप है, उसका लघु रूप है, उसका लघु संस्करण कह सकते हैं भाई। थंबनेल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, एक पूरी बड़ी स्लाइड है, वही स्लाइड इधर की तरफ छोटे रूप में जो हमें दिखाई देते हैं ना, उसको थंबनेल बोलते हैं। बड़ी वाली स्लाइड का ही छोटा रूप होता है, वो कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में लिया जाता है, एमएस विंडोज लिया जाता है, एमएस पावर पॉइंट लिया जाता है, एमएस एक्सेल या फिर एमएस वर्ड। पावर पॉइंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लेते हैं बताओ, पावर पॉइंट के लिए। देखो पावर पॉइंट की जब बात करें, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पावर पॉइंट ही आएगा इसमें, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो लिखा है उस प्रेजेंटेशन को बनाते किसमें, एमएस पावर पॉइंट में बनाते, ऑप्शन नंबर भी आएगा। और अगर स्प्रेडशीट पूछता तो मैं एक्सेल करता, डॉक्यूमेंट पूछता तो मैं वर्ड करता, विंडोज इनमें ये अलग प्रकार का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल के नाउ फंक्शन का रिटर्न मान क्या होता है, मतलब वापसी मान, मतलब नाउ फंक्शन अगर आप एमएस एक्सेल में यूज करते हो तो वो क्या दर्शाता है, उससे क्या होता है, क्या उससे तिथि और समय जिस तरह प्रारूपित किए गए हों उस रूप में वर्तमान तिथि और समय, वर्तमान माह में दिनों की संख्या, या वर्तमान वर्ष का महीना, वर्तमान माह का महीना, बताइए क्या है, क्या करेगा। 11 नंबर में ए,
शीतल प्रशांत हर्ष तीनों का ए है, ठीक है। बाकी लोग बताइए क्या है, कविता का ए है, ठीक है। हाँ डेट और टाइम दोनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी लोग कह रहे हैं ए ए सबका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है। ये क्या करता है बेटा, करंट 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 डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम जो है वो हमारे सिस्टम में क्या करता है, इंसर्ट करता है। सो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर मेरा ए आएगा। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपकी एक्सेल शीट है, उस जिस सेल के अंदर आपने नाउ फंक्शन लगाया, तो ये क्या करेगा, करंट का मतलब होता है कि आपके सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर है उसकी डेट और टाइम क्या है, उस कंप्यूटर का डेट और टाइम जो है वो एज इट इज हमारी वर्कशीट के अंदर क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा, 72 - 8/4/2, बताइए क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भाई, 0 आएगा, 68 आएगा, 70 आएगा या फिर 8 आएगा, बताइए इसमें क्या आएगा। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया और इसका आउटपुट 71 आएगा, ठीक है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्विज के अंदर करवा चुका हूं, तो आई होप आप सब लोग अच्छे से क्विज को देख भी रहे होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप रेगुलर लेवल पे देख रहे हो, अलग अलग रूप में देख रहे हो, तो ये एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। 68 और 71 दो लोगों का अभी तक ये आंसर आया है, बाकी सब लोग बताइए क्या आएगा बेटा, फिर मैं तो बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता ही दूंगा बेटा, ठीक है। 68 और 71 कुछ बी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, अच्छा कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। देखो यहां पर क्या है बेटा, ये इस प्रकार से 72 - 8/4/2, तो देखो पहले ये भाग होगा 4 × 8 और 2/2 हो जाएगा 1, तो 72 - 1 यहां पर मेरा आंसर आएगा 71, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी आएगा बेटा यहां पर, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, देखिए एक तो हमारा बोर्ड मास जो चलता है वो ही फॉलो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और यहां पर माइनस है तो डिवाइड पहले हो, बट डिवाइड का भी एक सीन होता है, वैसे हम लोग बात करें तो राइट टू लेफ्ट चलता है, बट इसमें लेफ्ट टू राइट चलता है डिवाइड का सिंबल, ठीक है। अगला देखो, एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने के बाद कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। अब ये कह रहा है कि B5 से लेके और G9 तक आपके कितने सेल होंगे, ये आपको यहां पर बताना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हो। पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं इसमें क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इसमें, कुल सेल कितने होंगे, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, इस रेंज के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो कितने होंगे। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं, अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो B से G का गैप देखो, B से एक स्टार्ट करो, B C D E F G, 6 हो जाएंगे, कितने हो गए 6। अब आप 5 से और 9 का देखो, 5 6 7 8 9, यानी कि 5, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बोले तो 30, तो 30 यहां पर मेरा आंसर आएगा। भाई आप ये देखिए, बी क्या है, कॉलम है, जी क्या है, कॉलम, मतलब बी से जी तक चलना है, तो टोटल कॉलम कितने है? कॉलम कितने, कॉलम है 6, अच्छा रो कितनी है, 5 से लेके 9 तक रो कितनी है, 5 है, तो फिर ठीक है 6 × 5 = 30, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अलग अलग इंडिविजुअली आप रो को भी कैलकुलेट कर लो और इंडिविजुअली आप वहां पर जो कॉलम है उनको कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देन आंसर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 30। अगला देखिए, द स्क्रीनशॉट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द टैब ऑफ एमएस वर्ड 2019, एमएस वर्ड 2019 के कौन से टैब के अंदर स्क्रीनशॉट का विकल्प उपस्थित होता है, स्क्रीनशॉट जो होता है वो कौन से वाले हमारे टैब में होता है, रिव्यू टैब में होता है, डिजाइन में होता है, ड्रॉ में होता है या फिर इंसर्ट में होता है। भाई हमें वो क्या करना है, इंसर्ट करना है, हमें वो डालना है, बताइए कैसे डालें। देखिए अगर इसके अंदर बात करें बेटा, यहां पर ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन जो है वो इसके अंदर कौन सा आएगा, डी आएगा या ए आएगा,
देखो यहां पर ऑप्शन आएगा इंसर्ट, डी आए, डी डी ए नहीं आएगा, डी आएगा। देखो स्क्रीनशॉट डालना है ना तो इंसर्ट में होता है, देखो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर होता है, ऑनलाइन पिक्चर होता है, शेप्स होता है ना, और वहां पर एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, भूल गए क्या? इंसर्ट में होता है बेटा, इंसर्ट में ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा। अगला देखिए, बाय डिफॉल्ट डेट्स एंड टाइम आर इन अ सेल ऑफ एन एमएस एक्सेल शीट। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल शीट के सेल में दिनांक और समय होते हैं, मतलब अब डेट और टाइम अगर आप डालोगे तो वो कौन सी तरफ अलाइन होंगे भाई, लेफ्ट अलाइन होंगे, राइट अलाइन होंगे, सेंट्रल हो, सेंटर अलाइन होंगे, या फिर फिल स्पैन होंगे, बताइए क्या आएगा यहां पर, किस तरफ अलाइन होंगे। फिल स्पैन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको फिल अप कर लेंगे वो एक तरीके से, बताइए क्या आएगा बेटा इसमें, बताइए। बताओ डेट और टाइम जो है वो किस तरीके से अलाइन होंगे, कौन बताएगा? देखो आप एक चीज देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आएगा। अब आप एक चीज देखो बेटा, अगर मैं नंबर से लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं नंबर से लिखता हूं तो नंबर जो है बाय डिफॉल्ट जो है ये सेल के राइट साइड के अंदर अलाइन होते हैं, किधर की तरफ होते हैं, राइट साइड में, तो आपके जो डेट है वो भी तो राइट साइड में अलाइन होगी, क्योंकि वो भी तो नंबर ही होते हैं ना, एक प्रकार के नंबर फॉर्मेट के ही एक प्रकार के अंदर होता है डेट एंड टाइम। याद करिए होम टैब के अंदर एक नंबर ग्रुप था, उस नंबर ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे इसके फॉर्मेटिंग थे, तो डेट और टाइम वहीं पर ही होता है, तो ये राइट अलाइन होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी होगा। अगला देखिए, A3 से A6, A3 A6 इन एक्सेल वुड इंडिकेट, भाई A3 A6, A3 रेफरेंस ऑपरेटर और A6 है, तो ये कुल मिला के क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये A3 4 5 6 रिप्रेजेंट करता है, 3 4 5 करता है, 4 5 6 करता है, या A4 और A5 करता है, कौन सा करता है? देखिए ए, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, A3 और A6, इसका मतलब ये होता है कि A3 से लेके और A6 तक कंटिन्यू, तो बीच में क्या आएगा, A3, A3 के बाद में A4, A4 के बाद में A5, A5 के बाद में A6, सो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा A जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, वो यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर A सही होगा। अगला देखो, एक्टिव सेल के कंटेंट क्या दिखाते हैं, नेम बॉक्स दिखाते हैं, हेडिंग दिखाता है, फॉर्मूला बार दिखाता है, एक्टिव और एक्टिव सेल का कंटेंट, या टास्क बैन दिखाता है, या इनमें से कोई नहीं, एक्टिव सेल का कंटेंट जो है वो कौन दिखाता है, इस तरीके से क्वेश्चन है, मतलब जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल है जिस सेल पे अपन वर्किंग कर रहे हैं राइट नाउ, अभी काम कर रहे हैं, वो सेल का जो कंटेंट है उस सेल का डेटा कहां पर दिखता है, क्या वो नेम बॉक्स में, नहीं नेम बॉक्स में तो बेटा सेल का नाम दिखता है तो नहीं हो सकता, हेडिंग तो बोलते हैं जो ऊपर कॉलम नेम है, रो नंबर है, टास्क पैन में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन में यहां पर सी आएगा, फॉर्मूला बार। यानी कि यहां पर क्या होता है, जो भी हमारा सेल है उस सेल के कंटेंट को हम लोग जो है वो कहां देख सकते हैं, हम देख सकते हैं फॉर्मूला बार के, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा, क्योंकि फॉर्मूला बार में जो लिखा है और सेल में लिखा है, जहां पर भी आप दोनों में से किसी भी जगह लिखिए वो एक ही जगह जाता है, तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगला देखिए, अच्छा जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज, बेटा जैसा कि रोज बताते हैं 31 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, और प्राइस इसका 399 है, और 399 है, तो इसको बेटा आप परचेस कर सकते हैं, और हमारी ऐप के ऊपर जो है इसको आपको मिल जाएगा, क्लास 24 की ऐप है। इसी प्रकार से जो महिला सुपरवाइजर है उसकी भी वैकेंसी हमारे आगे आई हुई है, और उसकी भी जो टेस्ट सीरीज है वो 299 की है, वो 399 की है, और ये 299 की है, तो इसको भी आप परचेस करिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की, तो हमारा आपनों राजस्थान का टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध है, 24 का, क्लास 24 का, तो आप उसको भी जो है निश्चित रूप से ज्वाइन करिए, और उसका लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आता है, दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने कहलाता है, मतलब दो या दो से अधिक सेल है उनको मिला के एक सेल में बदलना है, बदलना है तो क्या बोलेंगे, मर्जिंग बोलेंगे, ज्वाइनिंग बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे, स्प्लिटिंग बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या आएगा, मर्जिंग।
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, दो या दो से अधिक सेल को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मर्ज करना बोलते हैं, और अलग अलग करना स्प्लिटिंग होता है। अगला देखो क्या है, एक स्प्रेडशीट की एक्सेल में इटैलिक प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है, और निम्न में से कौन सी कमांड इटैलिक प्रारूप को सामान्य मोड में बदल देगी। भाई एक तरीके से ये पूछ रहे हैं कि जो इटैलिक है इस इटैलिक को सामान्य यानी कि नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे इटैलिक को नॉर्मल बनाने के लिए, बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा, ये बिल्कुल थोड़ी सी एरर है, मैंने अभी नोटिस किया है। आई आएगा यहां पर, ये कैपिटल आई है और यही आएगा। देखो आई क्या करता है, देखो आई इटैलिक में करेगा भी, और अगर इटैलिक में ऑलरेडी है तो उसको हटा भी देगा, है ना। इटैलिक से आप उसको नॉर्मल फॉन्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल को इटैलिक में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों ही चीजें यहां पर आएगी। अगला देखिए इसमें क्या है, यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा, बताइए क्या आएगा। अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन में है ना बहुत अधिक जो एक प्रकार से टेक्स्ट और संख्या जो है बहुत ज्यादा है, तो आप किसका यूज करोगे। भाई नंबर्स बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम करिए ना, टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर दो उसको, सिंपल सी बात है, टेबल के अंदर कर दो। किसमें कर दोगे, टेबल में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा आएगा, बी बी बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखो, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को उपयोग में लेने का जो मेन फायदा है वो क्या है। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, चेंजिंग डेट ऑटोमेटिकली, अपडेट्स कैलकुलेशन और मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस, बताइए क्या आएगा इसमें। भाई अगर आप एडवांटेज क्या है आपके स्प्रेडशीट को उपयोग में लेने के, फायदे क्या हैं ये पूछा आपसे, बताइए बताइए क्या आएगा इसमें। सारे के सारे फायदे ही हैं यार, हाँ बिल्कुल सही है, डी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखो भाई आपकी स्प्रेडशीट है, कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, हाँ बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है इसमें। और दूसरा देखो, चेंजिंग डेट ऑटोमेटिकली, अपडेट कैलकुलेशन, मतलब जैसे डेटा होगा बेटा, ये डेटा डेटा जैसे हम लोग डेटा में चेंज करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो भी अपने आप से चेंज हो जाती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसके ऊपर काम करना जो बहुत ईजी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट्स योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन इन MS वर्ड 2019, बताइए क्या आएगा। MS वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से जो है अपन मार्जिन को जो कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, वो कौन सा है बताइए। लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर और राइट, जो टेक्स्ट के बीच में स्पेस है। हाँ 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल जस्टिफाई आएगा बेटा, जस्टिफाई। जैसे ये देखो, ये जस्टिफाई लाइन है, देखो इधर से एक सीध में है और इधर से क्या है, एक सीध में, और ये कैसे करता है, शब्दों के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको कम ज्यादा कर देता है ये, ताकि वो पूरा का पूरा एक प्रॉपर प्रारूप में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके। अगला देखिए, एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट संरेखण होता है। एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ होता है उसको बाय डिफॉल्ट जो है किस प्रकार से हम उसको अलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं बताइए। बताइए लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, देखो ये एमएस वर्ड की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर लेफ्ट होता है, नहीं नहीं लेफ्ट होता है बेटा, बी नहीं आएगा, ए आएगा। जैसे आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो ना वो एमएस वर्ड में इस प्रकार से होता है, भाई इधर से तो डेफिनेटली आपकी लाइन जो है ना वो एक सीध में स्टार्ट होगी, हाँ उधर जो आपकी लाइंस वगैरह है वो आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से लेफ्ट साइड से एक ही आपकी रेंज में रहेगी, ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा ए आएगा। अगला देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इफ यू कीप टाइपिंग द फीचर विल ऑटोमेटिकली मूव यू टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब अगर आप टाइप कर रहे हो एमएस वर्ड के अंदर
तो आपको कौन सा वाला फीचर जो है वो आपके कर्सर को है ना, आपके शब्द को अगली लाइन पर ले जाता है ऑटोमेटिकली, बताइए बेटा क्या आएगा? कोई बात नहीं, गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुद्दे की चीज ये है कि क्या आप इन गलतियों से सीख रहे हो? हाँ, अगर सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर तक ये जो गलतियां आपसे हो रही है ना, ये पेपर तक ये गलतियां होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए टेक्स्ट रैपिंग आएगा, न्यू लाइन आएगा, बॉर्डर एडजस्टमेंट आएगा और लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट आएगा। तो ये कह रहा है कौन सा टाइप, तो यहां पर बेटा कौन सा आएगा, टेक्स्ट को अपने आप से अगली लाइन पर लेके जाता है, कौन लेके जाता है बताइए, बताइए बताइए कौन लेके जाता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा, टेक्स्ट रैपिंग, ऑप्शन नंबर ए आएगा, कौन सा आएगा? हाँ, यहां पर आएगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैप क्या करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है, जैसे पंक्ति खत्म हो रही है, लास्ट में सेट नहीं हो रहा, अपने आप से अलग लाइन में ले जाओ, अगली लाइन में ले जाओ। अगला देखिए यहां पर क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन कहलाता है। एमएस वर्ड के अंदर जब हमारी कुछ गलत हो जाती है तो उनको जो सही करता है उसको क्या बोलते हैं, जीआरपी बोलते हैं, स्पेल चेक बोलते हैं, ऑटो करेक्ट बोलते हैं, या सर्च एंड फाइंड बोलते हैं, बताइए क्या बोलेंगे, बताइए बताइए। नहीं, एमएस एक्सेल में भी होता है, एमएस वर्ड में भी होता है। हाँ, एमएस वर्ड में उसी फंक्शन के कारण ऑटोमेटिक हमें दिखता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये अप्लाइड होता है। ठीक है, पर काम तो वही होता है ना एक प्रकार से। बताइए यहां पर क्या आएगा बेटा, कौन सा आएगा? ऑटो करेक्ट आएगा, ऑटो करेक्ट। हाँ, ऑटो करेक्ट। देखो ऑटो करेक्ट जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग होती है ना, क्योंकि हमारा जो एक प्रकार से एमएस वर्ड है उसकी खुद की एक डिक्शनरी होती है, जब आप उसमें टेक्स्ट वगैरह लिखते हो तो एमएस वर्ड क्या करता है, अगर कोई स्पेलिंग में कोई लेफ्ट कोई आपने लेटर को दाएं बाएं कर दिया, प्रॉपर नहीं लिख पाए, तो ये उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। अगला देखिए यहां पर क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए, सबस्क्रिप्ट, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, इनमें से अलग कौन सा है, अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, वो वाला आपको फाइंड आउट करना है। बताइए यहां पर क्या आएगा, अलग कौन सा बताइए, सबस्क्रिप्ट। हाँ बिल्कुल सही, ये तीनों क्या है बेटा, ये फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है। सबस्क्रिप्ट एक अलग से हमारा इफेक्ट के अंदर आता है एक प्रकार से ये, सो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा ए आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, अच्छा सबस्क्रिप्ट होता है इस प्रकार से, जैसे H2O नीचे की तरफ लिखते हैं, और अगर इस प्रकार से लिखूंगा X2Y तो ये मेरा किस में आता है, ये सुपर में आता है, सुपर, सुपर का एस हटा दो, ऊपर, ऊपर की तरफ जो होता है उसको सुपर बोलते हैं, और जब नीचे की तरफ लिखते हैं बेस लाइन से नीचे की तरफ, वो मेरा होता है यहाँ पर आपका कौन सा, सबस्क्रिप्ट। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, इन एमएस वर्ड बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। देखिए अगर आपको पेज ब्रेक डालना है, एमएस वर्ड के अंदर क्या डालना है, पेज ब्रेक डालना है, तो आप किसका उपयोग करोगे बताइए, शिफ्ट अंटर, अंटर नहीं एंटर होता है बेटा, एंटर, नहीं, आप गलत आंसर दे रहे हो, नहीं, शिफ्ट प्लस में एंटर नहीं होता, कंट्रोल प्लस में एंटर होता है बेटा, ध्यान दो, ये जो आंसर होगा ये कंट्रोल प्लस में एंटर आएगा, कंट्रोल के साथ में जब आप एंटर दबाओगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक इंसर्ट होगा, शिफ्ट के साथ दबाने से नहीं, कंट्रोल दबाने से होता है ना, ये डाउट कोई बात नहीं आ जाता है मन में, जब एक जैसे से ऑप्शन दिखते हैं ना तो हमारे मन में इस प्रकार के डाउट आ जाते हैं कि यार ये क्या होगा क्या इस प्रकार से, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से डाउट जो है वो मन बनते हैं मन में, बट बहुत सिंपल चीजें हैं। आगे देखिए, आगे देखिए इसमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फास्टर लर्निंग कर्व्स, है ना, मतलब तेजी से सीखने की अवस्था, तेजी से मतलब हम कौन सा वाला इनमें से ऐसा है जिसको फास्टली क्विकली कम समय में सीखा जा सकता है, ये पूछा है, बताइए यहां पर, टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस जो है वो जल्दी सीखा जा सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो सीखा जा सकता है, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, कौन सा वाला ऐसा है जो बहुत ही कम समय में तेज गति से तीव्र गति से सीखा जा सकता है बताइए,
देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तीव्र गति से सीखने की, तो इसमें बेटा यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस जीयूआई, मोबाइल है, मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर देखिए सारी चीजें चित्र वगैरह बनी होती है। आप किसी को भी बता दो कि पहले ये दबाना, फिर इस पे दबाना, फिर इस पे दबाना, बहुत जल्दी सीख जाएगा। अगर लिखित रूप में आप किसी को कहोगे ना कि पहले तेरे को ये लिखना है, वो लिखना है, वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा। और वो वाला बेटा होता है टेक्स्ट बेस्ड, एक तरीके से सीयूआई, करेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस भी उसको बोलते हैं। तो यहां पर ग्राफिकल वाला जो होता है ना बेटा, ये सबसे जल्दी एक तरीके से सीखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आएगा। अगला देखो, विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस भागों में विभाजित किया गया है, 2, 6, 5, 3, बताइए विंडो एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, बताइए क्या आएगा। विंडोज, विंडोज, विंडोज कौन सा आएगा इसमें बताओ, नहीं पता ना, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, आप लोग बता नहीं पा रहे हो। यहां पर दो आएगा बेटा, हाँ हाँ दो आएगा, बिल्कुल बिल्कुल दो आएगा इसमें, मैसेज बिल्कुल आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं मैसेज, बिल्कुल आ रहे हैं, यहां पर दो होगा। देखो विंडोज जो है ना, विंडोज वो दो तरीके से, मतलब सीयूआई और जीयूआई दोनों प्रकार के माध्यम उपलब्ध करवाता है, आप किसी भी प्रकार से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विया डिस्क क्लीनअप, बताइए, रिमूव टेम्परेरी वेब फाइल्स, रिमूव टेम्परेरी विंडोज फाइल्स, एम्प्टी द रिसाइकल बिन और चेंज पावर ऑप्शंस, मतलब आपका डिस्क क्लीनअप जो है वो क्या नहीं कर सकता है, बताइए बताइए। भाई क्लीनअप का मतलब होता है सफाई करना, सिंपल सी चीज है। तो भाई ये टेम्परेरी वेब फाइल है उनको डिलीट कर सकता है, टेम्परेरी विंडो फाइल है उनको भी हटा सकता है, और रिसाइकल बिन है उसको भी हटा सकता है, पर पावर का ऑप्शन जो है इसका क्या लेना देना है भाई, आप खुद सोचिए, पावर ऑप्शन जो है उसका डिस्क क्लीनअप से क्या लेना देना रहेगा, कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहां पर, समझ में आया ना। हाँ अगला देखो, वीडियो फाइनल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है, वीडियो फाइनल नहीं है, फाइल है बेटा, फाइल है, इनमें से कौन सा एक वीडियो का प्रकार नहीं है, नहीं है ये गलत लिखा, कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से एक ऐसा एक्सटेंशन है जो किसी वीडियो का नहीं होता है। अरे बेटा ढंग से पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो ना, हाँ देखो इसमें जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जेपीजी आएगा, ये जो है ये किसी के ना किसी फोटो को होता होता है, ये फोटो का होता है, और ये तीनों बाकी जो है ये किसके होते हैं, वीडियो के होते हैं, ये वीडियो के फाइल एक्सटेंशन है। हाँ अगला देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज यूआरएल, यूआरएल क्या है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर दिखने वाले किसी भी वेब पेज का, वेब पेज होता है यूआरएल, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, एक वेब ब्राउजर होता है, या एक सर्च इंजन होता है, बताइए बताइए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं और ए काफी हद तक सही है, बिल्कुल सही। देखो ये क्या होता है कि किसी भी इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज, वेब पेज का क्या होता है एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं, जैसे www करके ऐसे जो होता है ना .com लास्ट वाला, वो सारा का सारा यूआरएल कहलाता है। अगला देखिए, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको लंबी दूरी तक किसी सिग्नल को भेजना है और वायर के थ्रू भेजना है, कैसे, तार के माध्यम से, तो तार के माध्यम से अगर लंबी दूरी तक आप डेटा भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, बताइए क्या आप रिपीटर का करेंगे, राउटर का करेंगे, गेटवे का करेंगे, स्विच का करेंगे, देखिए डिवाइसेज है, इसमें से एक डिवाइस आएगी,
नहीं राउटर नहीं आएगा यहां पर बेटा, जो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए भूमिका बिल्कुल सही है, रिपीटर आएगा। रिपीटर क्या करता है, जैसे जो भी सिग्नल है ये एक दूरी के बाद में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, आगे जब ये जाएगा तो ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खो देता है एक प्रकार से। तो इसलिए क्या होता है, इसकी पावर को वापिस से बूस्ट करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिपीटर का। तो ये रिपीटर लगाते हैं, ये क्या कर देता है, वापिस से उसकी फ्रीक्वेंसी को उतना ही मेंटेन करके आगे भेजता है। फिर और दूरी पर एक और रिपीटर लगा दिया जाता है जो आगे भेजता है, फिर आगे एक और रिपीटर लगा देंगे और यहां पर ये मेरा एंड के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा, ये मेरा स्टार्टिंग से था। तो बीच बीच में रिपीटर लगाए जाते हैं, रिपीटर। रिपीटर क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला देखिए, GIF का आशय क्या है। GIF देखिए, मोबाइल के अंदर आपके पास व्हाट्सएप पे फोटो आती है, याद करिए, बहुत सारी आपने देखी है, उस पे GIF लिखा होता है। वो GIF का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, या ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या आएगा इसमें से, बताइए। बताइए जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट ए आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा, बड़ा से बताओ क्या आएगा। यहां पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, इसमें ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, यहां पर जियोग्राफिकल नहीं आएगा, ये ग्राफिकल आएगा। जियोग्राफिकल कोई कोई वो मैप है क्या, नहीं है ना, वो एक फोटो होती है, मतलब ग्राफिकल, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं उसको, कई बार ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट भी आता है, ध्यान रखिएगा, बट इसका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है कि ग्राफिक्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, GIF इसको बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, भाई इनमें से कौन सा है, वैसे तो देखिए कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, पेंटाबाइट है, है ना, पेटाबाइट है, योटाबाइट है, टेराबाइट है, या गीगाबाइट है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बिल्कुल सही है, योटाबाइट आएगा। देखिए इनमें सबसे छोटा है जीबी, जीबी, गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ा होता है पेंटाबाइट, और पेंटाबाइट से बड़ा होता है आपका योटाबाइट, ये ऐसे, हालांकि पेंटाबाइट के बाद में एक्साबाइट अलग अलग आते हैं, पर इन चारों का सीक्वेंस कहूंगा तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है, बताइए। HD वीडियोस वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, यानी कि कौन सी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका उपयोग HD वीडियो, ध्यान रखिएगा HD, हालांकि आप सिंपल हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ब्लू रे है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्टिकल, कौन सी होनी चाहिए, ध्यान रखो हमें पूछा है ऑप्टिकल स्टोरेज होना चाहिए, और कैसा ऑप्टिकल स्टोरेज होना चाहिए, जो HD वीडियो को, हाई डिफिनेशन वीडियो को रख सके। भाई ऑप्टिकल स्टोरेज बेटा तीन होता है, देखो एक होता है CD, एक होता है DVD और एक होता है BRD। अब BRD इसमें लिखा है ये रहा, है ना, CD लिखा है ये रहा, DVD इसमें है नहीं, तो एक चीज कंफर्म है, इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों कैसी है, मैग्नेटिक डिस्क है। अरे कैसी डिस्क है, मैग्नेटिक, ये ऑप्टिकल नहीं है, हाँ ये ऑप्टिकल नहीं है, ये मैग्नेटिक है। और यहां पर अगर इन दोनों में बात करूं तो ये बी जो है ये मेरा यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, ये ऑप्टिकल है, और ये हमारा ब्लू रे डिस्क जो है ये क्या करता है, सर्वाधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, इसका उपयोग HD वीडियोस को स्टोर करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा कौन सा आएगा, बी, कॉम्पैक्ट डिस्क, देखो बेटा हल्की नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो को रख सकता है। SSD का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है SSD का, बताइए, बताइए SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट सीक्वेंस ड्राइव, स्टेट सॉलिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीक्वेंस स्टेट ड्राइव, बताइए क्या आएगा बेटा इसमें, बताइए क्या आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो यहां पर है मेरा, हाँ ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा आएगा ये वाला, सी वाला, सॉलिड स्टेट ड्राइव,
ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव मेरा आंसर होगा बेटा इसमें। हाँ अगला देखो, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है, मतलब कौन सा ऐसा है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी फोटो को या कोई भी टेक्स्ट है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टेलीफोन लाइन पे भेज सकता है, बताइए बताइए, फैक्स मशीन है, बिल्कुल सही। देखो फैक्स मशीन जो होती है ना बेटा, ये फैक्स मशीन हमारे क्या करती है, जो भी हमारा डेटा होता है ना उसको एक प्रकार से टेलीफोन लाइन के थ्रू भेजती है। ये स्कैनर, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होती है, डेटा को स्कैन भी करती है, स्कैन करके फिर आगे फॉरवर्ड करने का भी काम करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा। अगला देखिए, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन बाई द नेम, कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एलईडी, वीडियो, सीपीयू या सीसीटीवी, बताइए। एलईडी, वीडियो, सीपीयू या सीसीटीवी, किस नाम से जाना जाता है कंप्यूटर मॉनिटर को? बिल्कुल देखिए, हाँ देखिए, मॉनिटर जो होता है ना वो एलईडी भी स्क्रीन होती है, सुनो ये दोनों तो आएगा नहीं है ना, ये दोनों तो आएंगे नहीं, पर ये भी स्क्रीन है, वीडियो भी स्क्रीन होती है, पर यहां पर वीडियो आएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा विजुअल, विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आएगा। हाँ अगला देखो, इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सी वाली है बताइए, एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ आउटपुट देखिए, मैग्नेटिक स्कैनर है और ट्रैकबॉल है, लाइट पेन है, प्लॉटर है, कौन सा आएगा इसमें से? देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, इसमें डेफिनेटली प्लॉटर आएगा बेटा, इसमें डेफिनेटली प्लॉटर आएगा। प्लॉटर जो है ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, और ये एक प्रकार से प्रिंटर होता है, प्रिंटर का एक दूसरा रूप है, और इस पर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट कौन कर सकता है, प्लॉटर कर सकता है, एक पेन के द्वारा निरंतर रेखाएं खींच के कौन प्रिंट करता है, प्लॉटर करता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अगला देखिए, MICR stands for, MICR का अर्थ क्या है, MICR का अर्थ जो है वो क्या है, MICR का क्या तात्पर्य है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, या मैग्नेटिक इंक केसेस रिकॉग्निशन, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए कौन सा आएगा इसमें से? आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो MICR का फुल फॉर्म है, MICR बताइए। यहां पर बेटा आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बैंकिंग चेक वगैरह के अंदर इसका यूज होता है, ज्यादातर उन्हीं में इसका यूज होता है। अगला देखते हैं इसमें क्या है, स्क्रीन को किसी मध्य को किसी नए स्थान पर, स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग का वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा, मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा स्क्रीन के ऊपर कोई चीज है, कोई फाइल है, एक जगह से उसको उठा के दूसरी जगह लेके जाना है ना, एक तो कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट होता है, पर माउस से कैसे करते हैं बेटा, माउस से कैसे करते हैं, माउस से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ड्रैग एंड ड्रॉप, बिल्कुल सही है, ड्रैग एंड ड्रॉप आएगा बेटा इसमें, ड्रैग मतलब होता है घसीट के, घसीट के किसी दूसरी जगह पर लेके जाना, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ अगला देखो, क्वेरिटी कीबोर्ड में कुंजियां होती है, भाई एक क्वेरिटी कीबोर्ड जो है उसके अंदर टोटल कितनी कीज होती है, ये पूछा आपसे, बताइए क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितने की होती है, कुल कितने बटन होते हैं, बताइए बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा 104 जो है बिल्कुल करेक्ट है, 120 मैक्सिमम है, मैक्सिमम 120 तक भी होती है, 90 से लेके 120 तक की कीज होती है। अब यहां पर क्या है, मैक्सिमम जब पूछा जाता है तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड 120 कहोगे, बट एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जब पूछा जाएगा, एक स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड पूछा जाएगा, तो उसमें फिर देखिए
वो की जाती है जो कंप्यूटर के एक कीबोर्ड में नेसेसरी होती है, तो 104 है। बाकी आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं आवश्यकता के अनुसार, जैसे उनमें बटन भी कम ज्यादा होते हैं, ब्राइटनेस कम करने का, ब्राइटनेस ज्यादा करने का, वॉल्यूम कम करने का, ज्यादा करने का, मीडिया प्ले, डायरेक्ट एक बटन दबाओ गाने प्ले हो जाते हैं, डायरेक्ट बटन दबाओ वेब ब्राउजर हो जाएगा, इस तरीके से अलग अलग मेरे पास होते हैं, पर उनको नहीं करना है। 104 यहां पर मेरा जो है वो आंसर आएगा। Which of the following looks like an upside down mouse that requires the ball to be rotated manually with a finger for moving the cursor on the computer screen? भाई ये कह रहा है कि एक ऐसा कौन सा है जो उल्टे माउस की तरह दिखता है, ऐसे लगता है जैसे उल्टा माउस है, ठीक है, कौन सा होता है बेटा बताइए बताइए। नहीं डिजिटाइजर यहां पर नहीं आएगा, लाइट पेन भी नहीं है, यहां पर आएगा बेटा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल जो होता है ना बेटा, ये वैसे तो माउस की तरह ही होता है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें बीच में एक बॉल लगी होती है यहां पर, और इस तरीके से यहां पर जो है ऐसे बटन्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से इसको पकड़ा जाता है और इसको ऑपरेट किया जाता है। ये हमारा जो है इस प्रकार का एक डिवाइस होता है। हाँ बाकी आप इसको नेट पे देखिएगा, गूगल पे सर्च करो ट्रैक बॉल कैसा दिखता है, 6-7-8 हजार रुपए का आता है ये, है ना, माउस का थोड़ा सा दूसरा रूप है। अगला देखिए अगला है, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भाई 1976 के अंदर जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा है बताइए, कौन सा आएगा यहां पर बताइए, एक्रोन एटम है, क्रे वन है, PCW है या PET है बताइए। बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए सैमूर क्रे ने इसको बनाया था, एक सैमूर क्रे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बनाया था, और क्रे रिसर्च कंपनी थी उसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, मतलब इनमें से कौन है, कौन सी कंपनी है जो विश्व का पहला लैपटॉप जो है बाजार में लेके आई थी? हेवलेट पैकर्ड, यानी कि ये बेटा HP की फुल फॉर्म है, HP। इप्सन है, ये है लैपलिंग ट्रेवल सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट बताइए कौन सा आएगा। बिल्कुल सही है शीतल, बिल्कुल सही है, 1981 एप्सन, एप्सन कंपनी जो है, एप्सन कंपनी जो है ये पहला जो है एक प्रकार से लैपटॉप लेके आई थी विश्व के अंदर, मार्केट के अंदर पहला लैपटॉप इसी कंपनी का था। अगला देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में का प्रयोग किया जाता था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज करते थे, क्या वैक्यूम ट्यूब निर्वात अनिल का करते थे, या ट्रांजिस्टर का करते थे, या फिर अर्धचालक का करते थे, या फिर यांत्रिक गियर्स का, मैकेनिकल गियर्स का यूज करते थे बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, वैक्यूम ट्यूब आएगा, ऑब्वियसली यहां पर बिल्कुल सही है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो मेरा आंसर आएगा इस पर। अगला देखिए, मदरबोर्ड है, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, CPU चिप होती है, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं, प्रिंटर का एक भाग होता है, बताइए क्या होता है मदरबोर्ड, क्या होता है बताइए बताइए। यहां पर जो आंसर आएगा पेरिफेरल, पेरिफेरल, पेरिफेरल नहीं, चलो कोई नहीं देखते हैं पेरिफेरल आएगा, कौन सा आएगा। देखो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। भाई पेरिफेरल तो होती है, पर CPU भी तो होता है ना, कि ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें CPU होता है और अन्य चिप लगे होते हैं, बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो सारे भी इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और मदरबोर्ड। भाई पेरिफेरल कौन सा नहीं है, पेरिफेरल वो होता है जो जनरली कंप्यूटर के दाएं बाएं पड़े रहते हैं डिवाइस जो कनेक्टेड रहते हैं उनको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। अब प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी, पर हाँ बिल्कुल सही, मदरबोर्ड पेरिफेरल में नहीं आता, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। भाई पेरिफेरल डिवाइस तो वो होती है जिनको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, समझे, हाँ जिनको हटा भी सकते हो, बट मदरबोर्ड ये मेन पार्ट होता है। अगला, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इसको, प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज, भाई प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसको क्या कहा जाता है बताइए, डेटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, या फिर एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है? भाई डेटा को जब प्रोसेस करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, डेटा को जब प्रोसेस करते हैं है ना, तो इससे क्या बनता है, इससे इंफॉर्मेशन बनता है, ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा बी आएगा, इंफॉर्मेशन। हाँ
ठीक है। अगला देखिए यहां पर क्या है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। भाई कार के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा होता है, गति मापक का मतलब होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कंप्यूटर होता है, कौन सा होता है? बिल्कुल सही बात है, यहां पर मेरा बेटा जो कंप्यूटर होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आज की जो हमारी क्विज है बेटा ये हमारी यहां पर समाप्त होती है, ठीक है। ये आज की क्विज हमारी थी और इसको अपन ने किया है, बढ़िया तरीके से किया है। और आप भी देखो ये जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको आप अच्छे से देखा करो, पढ़ा करो और बार बार देखो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी हम लोग सेशन लेके आएंगे, रेगुलर सेशन लेके आएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसको सॉल्यूशन भी करें, और अगर जैसे किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक है किसी थ्योरी के अंदर कोई डाउट है तो वो थ्योरी के लिए एक अलग से इंडिविजुअल सेशन भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ठीक है। हाँ तो सेशन भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक रेगुलर रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अगर आप लास्ट में आए हो तो एक तो टाइम को बेटा रेगुलर 4 बजे का टाइम है ना, तो ठीक 4 बजे इसको ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि 4 बजे ज्वाइन नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर गिवन है, इसके अलावा हम कुछ भी आपको उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल डिटेल बेटा शेयर नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक यहाँ पर गिवन है कमेंट सेशन में उसको ज्वाइन करिए, वो हमारा ऑफिशियल है। कोई भी डाउट हो कंपनी का नीचे जो नंबर है वहां पर आप देख के बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर भी आपके यहाँ पर आ गए हैं, वो अगला सेशन स्टार्ट होगा बिल्कुल, तब तक आप बताइए कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही हो, किसी चीज की कोई समस्या हो, कुछ भी अगर आपको जानना हो तो बिल्कुल बताइए, ठीक है। चलिए तो सर आ गए हैं, अब सर को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ और सर अपनी फाइल अपलोड कर लेंगे और आगे का सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल पढ़ो, हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो कोई टेंशन मत लो, आप रेगुलर सेशन लो। मेन चीज है देखो सर भी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, मैं भी लेके आ रहा हूँ, सब लोग अपने लेवल पे, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ना बेटा, ये आप जब एग्जाम दोगे तब आपको देखने को मिलेगा, इनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज मिलने वाली है, एज इट इज मिलने वाली। तो अब वो मिलेगी कब, जब आप पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे नहीं जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें करवाई जा रही है तो फिर पेपर में कहां से देखोगे, ठीक है। ब्रिज और गेटवे जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस होती है, ब्रिज जो होता है दो अलग अलग नेटवर्क को दो है ना जोड़ता है, और गेटवे भी वैसा ही होता है, पर गेटवे जो होता है वो क्या करता है दो अलग अलग नेट अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करने वाले नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैं माइक सर को हैंड ओवर करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को, जिस प्रकार से आपने बहुत सराहनीय काम किया है कंप्यूटर जगत में, और मैं मानता हूं कि आप बच्चों को पूरे के पूरे नंबर दिलाने का प्रयास किया है, और ये हमारी एक कड़ी जो है ये सार्थक भी साबित होगी। चलो भाई नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्लास 24 आप लोग राजस्थान के ऊपर कैसे हो मेरे सभी प्यारे से विद्यार्थियों। और आज का सेशन हमारा पॉलिटी पर होता है मूलतया, और पॉलिटी में मैंने आपको जैसा कि सुबह बताया था और पिछली क्लास में भी शायद मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि हमारा जो न्यायालय वाला टॉपिक था वो कुछ अधूरा सा रह गया था, उसको हमने आज कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जिसमें आज के इस क्लास में एक तो अधीनस्थ न्यायालय और उसके साथ में कुछ उच्च न्यायालय के क्वेश्चंस जो रह गए थे। सभी को नमस्कार भाई। हाँ बिल्कुल, 2 दिन से मैं छुट्टी पर था, बिल्कुल मैं कहीं गया हुआ था, अलवर था 2 दिन से, ठीक है भाई आ गया हूं और वापस से हम शुरुआत कर देते हैं। चलो भाई कैसे हो मेरे सभी प्यारे से नन्हे मुन्ने बालकों। चलो जी, और सबसे पहले भैया आपको भैया खरीदारी करनी है और अभी तक नहीं किए तो भैया कर लीजिएगा। एक विद्यार्थी हमारे यहाँ कल परसों स्टूडियो में आई थी, गोपिका, और टोंक से चलकर आई थी, धन्यवाद अर्पित करने के लिए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो
हमारे को इतना कुछ मानने लगे हैं कि जिसकी वजह से हमारे स्टूडियो में आए। और मैं तो कहता हूं मेरे सभी विद्यार्थियों को, भैया आप भी आओ, आपका भी मोस्ट मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। सिलेक्शन के बाद में तो पूरी दुनिया आती है, स्ट्रगल टाइम में कोई आए तो उसको मानना बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग भी क्लास 24 की धरा पर पधारिएगा, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। चलो भैया आ जाइएगा क्वेश्चंस के सीरीज पर। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार प्रचार, प्रमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षकरण। निम्न में से कौन सी एक याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ का मतलब होता है जो इससे छोटे, यानी कि एक तरफ होता है जैसे ये उच्च न्यायालय क्या होता है, बड़ा होता है, इसके नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं वो इसके लिए क्या हो गए, अधीनस्थ, यानी कि जो भी इससे छोटा होगा वो क्या होगा, अधीनस्थ। अधिकार प्रचार का अगर हिंदी में बात करें या इसका अर्थ निकाले तो क्या होता है, क्या तुम्हें हक है। प्रमादेश, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण, और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। और इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षण का, तो बंदी को पेश करो न्यायालय के भीतर 24 घंटे में, बंदी को क्या करो न्यायालय में पेश करो। तो भैया ये वाला जो है उत्प्रेषण, विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, प्रमादेश नहीं होता, कार्य पद्धति का जो होता है वो किस पे आता है, उत्प्रेषण पे आता है। ये तो परीक्षण करने का मतलब तो होता है कि आपके पास में और जो भी जानकारियां हो दीजिए। प्रमादेश का मतलब तो होता है आदेश, हम आदेश देते हैं कि ये कार्रवाई आपने ठीक नहीं की है। ओके भाई, बी नहीं होगा, सी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी ध्यान रखना ना, सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हम लोग उस समय थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? देखिएगा, राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं होता, परामर्श संबंधी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार और रिट का क्षेत्राधिकार। देखिएगा, किसी भी न्यायालय के पास में कुछ पावर्स होते हैं, कुछ अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, तो उनमें से कौन सा अधिकार क्षेत्र यहाँ पे ठीक नहीं बैठता है, बाकी तीन जो है यहाँ पे सटीक बैठ रहे हैं। विद्यार्थियों ने सी और डी पे उत्तर चुना है, देखते हैं भैया इनका सी और डी ठीक हो पाता है क्या। भैया परामर्श का काम नहीं होता है, बाकी सारे काम होते हैं। परामर्श जो होता है, मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया है, 143 में केवल और केवल ये सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न कि ये होता है हाई कोर्ट के पास में। जबकि प्रारंभिक भी होता है, अभिलेख भी होता है और रिट का क्षेत्र भी होता है, ध्यान रखना परामर्श और केवल ये उच्चतम न्यायालय का होता है, न कि ये भैया किसका होता है, प्रारंभिक, अभिलेख और रिट का होता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है। यहां पर एक ऐसी याचिका, यानी कि आपके चार प्रकार की रिटें यहां पर दी हुई हैं, न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह क्या और किस प्रकार की, अरे मेरे गांव का नाम भैया जयपुर जिले में ही पड़ता है, जयपुर जिले में एक तहसील है जमुआरामगढ़, जमुआरामगढ़ का रहने वाला हूं मैं, जहां से आपकी बाणगंगा नदी गुजरती है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मेडमस और प्रोहिबिशन और को वारंटो, इसको तो बोलते हैं भैया हिंदी में सुन लो भैया बंदी प्रत्यक्षकरण, मेडमस को बोलते हैं प्रमादेश, ठीक है, प्रोहिबिशन को बोलते हैं प्रतिषेध, इसको बोलेंगे प्रतिषेध, और को वारंटो को बोलेंगे अधिकार प्रचार। अब बता दो भैया, अंग्रेजी नहीं आई तो हिंदी तो बता ही सकते हो, अधिकार प्रचार, चलो भाई बता दो इसका अब क्या होगा। राइट आंसर बिल्कुल सी, जिन्होंने वो बी जिन्होंने दिया है मेडमस। मैंने कहा प्रमादेश, और प्रमादेश सबसे शक्तिशाली रिट होती है, प्रदत्त शक्तियों से बाहर का काम जब हो जाता है तो भैया ये होता है प्रमादेश। तो ध्यान रखना मेडमस जो होता है प्रमादेश होता है, और ये सबसे शक्तिशाली रिट होती है, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास, अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? निम्न में से एक रिट न्यायालय में कार्रवाई जब लंबित हो जाती है तब लागू की जाती है, प्रमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रचार।
कोई भी कार्रवाई जब न्यायालय में क्या हो जाती है, विलंबित हो जाती है, लेट हो जाती है, तो उस समय कौन सा निकाला जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा निकाला जाएगा? पीयूष, कविता, थोड़े कमेंट मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक बार हाईलाइट से कर लेता हूं मैं। चलो भाई, इसका मतलब होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ही होता है कि जहां पर लंबित कार्य होते हैं उनके ऊपर जो होगा वो और जानकारी मांग सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। और जानकारी दीजिए भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक अधिकारी को यह कि वह विशेष पर बने रहने का अधिकार बताए। एक अधीनस्थ न्यायालय को यह है कि पुनरीक्षण रिव्यू हेतु मामले में विशेष कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक अधीनस्थ न्यायालय की वह मामले विशेष अग्रसर कार्यवाही रोक दे। और एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह बंधक बनाए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है और जानकारी दीजिएगा, और जानकारी से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, है ना। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है कि और जानकारी दीजिए कि कहाँ पर सटीक बैठ रहा है। अच्छा गजानन शर्मा, एक दिन मैं तेरे को कह भी रहा था रामगढ़ मोड़ की पाल से, तू मेरे को बता भी रहा था, लेकिन भाई साहब तूने तो मेरे को ऐसी बात बोल दी कि गुरुजी का मन ही जो है वो विचलित कर दिया तूने। भैया राइट आंसर इसका होगा, अगर कोई मामले की जानकारी पेंडिंग पड़ी है तो वहां पर भी पुनरीक्षण जो है वो उत्प्रेक्षण के अंतर्गत आता है, और उत्प्रेक्षण में ये यानी कि इसका जो है बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने सही उत्तर चुना है बी। किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा के महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया। वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरन। 2011 में, और एक क्वेश्चन जो है 2012 के बाद में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसके खिलाफ, है ना, किसके खिलाफ न्यायालय में क्या लाया गया था, महाभियोग प्रस्ताव। ध्यान रखना भाई, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो किसके खिलाफ और किसके खिलाफ लाया गया था, तो भैया कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, इनके खिलाफ महाभियोग लाया तो गया संसद में, लेकिन संसद में महाभियोग लाया गया उससे पहले इन्होंने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। और अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हमारे जो एक न्यायाधीश थे 2017 में, उनके खिलाफ भी लाया गया था लेकिन वो पारित हो चुका है। यानी कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के दो मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ लाया जा चुका है लेकिन अभी तक वो पारित नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना, उनका पालन न करना, तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना को कोर्ट में आता है, न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण क्या है इसका, न्यायिक सक्रियवाद न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने की दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन और कारण सही है, कथन और कारण दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या है, कथन और कारण जो है दोनों सही है लेकिन यहाँ पे व्याख्या जो है सही नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु भैया क्या है, कारण सही है। नहीं, रणवीर सिंह गलत बात, महाभियोग न्यायाधीश के खिलाफ भी आता है भैया, ध्यान रखना, महाभियोग जो है वो न्यायाधीश के खिलाफ भी आता है, केवल राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम का देखो, वैसे तो आप सभी को पता है कि इसकी एग्जाम जो है वो कौन से माह में डिसाइडेड है, अक्टूबर माह में डिसाइडेड है ना,
तो अभी तक तो यही लग रहा है, और इसका मैं आपको पहले उत्तर बता देता हूं, ये दोनों कथन जो है सही है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या क्या नहीं हो रही, सही नहीं हो रही है। यानी कि अवमानना नोटिस जारी किया जा सकता है जब आप न्यायपालिका की किसी भी कार्रवाई के ऊपर क्या करते हैं, गलत भाषा या उसका अनादर करते हैं, तो आपके खिलाफ अवमानना नोटिस आ सकता है। न्यायिक सक्रियवाद न्यायपालिका के अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों की जो व्याख्या है वो सही नहीं हो रही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं करेगा। अब इनमें से आपको छांटना है एक और दो, इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो सही है, कौन सी प्रक्रिया सही है, अरे भैया कैसे नहीं है, ये विद्यार्थी क्या कहना चाह रहा है, रणवीर भैया है, संसद में ही इसके खिलाफ क्या लाया जाता है भैया, संसद के द्वारा इसे हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष, यही एक हटाने का तरीका है, यही एक हटाने का तरीका है लोकसभा और राज्यसभा के, सॉरी दोनों हाईकोर्टों के, हाईकोर्ट के जितने भी जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं दोनों को, ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश, जजों को भी हटाने के लिए महाभियोग लाया जा सकता है भाई, तो इसमें से एक सही है, ध्यान ये रखना है। इसमें ये कह रहा है कि कोई मान लो हाईकोर्ट का क्या है, जज है, अब हाईकोर्ट की जो है सेवानिवृत्ति हुआ कितनी है, 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट की कितनी है, 65 वर्ष है, तो भैया 62 के बाद सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है, जबकि ये क्या कह रहा है, नहीं कर सकता भाई, कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो जाकर के वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, इसलिए ए क्या होगा, अरे वाह मेरे विद्यार्थी, अनुच्छेद 124 का पैरा 6 या 5 देख लेना भाई, मिल जाएगा आपको, अनुच्छेद 124 का पैरा 4 वो 5 और 6 देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास और न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि 1861 का जो अधिनियम था, 1962 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीन हाईकोर्टों की स्थापना हुई, क्या यह बात सही है, भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है जबकि सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 में है, और उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो 4 माह के लिए की जा सकती है। अब आपको इसमें से क्या छांटना है भाई, ठीक है, इसमें से आपको असत्य छांटना है, पीयूष यादव का उत्तर आया है डी, और दिनेश कुमार मीणा जी का उत्तर आया है डी, कविता खीचर जी का डी आया है बिल्कुल। अपर न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं भैया, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, गलत, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, और अनुच्छेद 131 में संयुक्त का भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई, त्रिपुरा की, मणिपुर की, आंध्र प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, भारत में भी टोटल जो हाई कोर्ट है 25 हाई कोर्ट है, भारत में टोटल हाई कोर्टों की संख्या कितनी भाई, 25 है, भारत में टोटल हाई कोर्टों की संख्या जो है वो कितनी है, 25 है, और सबसे लास्ट में जो है कौन सा हाई कोर्ट बना है, प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बताओ आप लोग कमेंट करके, क्योंकि 25वां आपको लेटेस्ट है और सबसे बाद में बना है, तो आप लोग बता सकते हो सी, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही था, क्योंकि आपको पता है पहले हैदराबाद जो था आंध्र प्रदेश के लिए था, और तेलंगाना बाद में बना, तो तेलंगाना बाद में बना, तो हैदराबाद का जो क्षेत्र है, हैदराबाद पूर्णतया कहां चला गया, तेलंगाना में चला गया, फिर बच गया आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर हो, तो कुछ समय के लिए तो उसका हाईकोर्ट रखा गया हैदराबाद, फिर इसकी नई राजधानी बनी अमरावती, अमरावती जैसे ही बनी तो इसका नया हाईकोर्ट बना अमरावती, तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का गठन, वैसे तेलंगाना का गठन हुआ है 2 जून 2014 में, और इस कोर्ट की शुरुआत एक्चुअल में 2019 में हो गई है,
हैदराबाद कोर्ट की शुरुआत जो है 2019 में हो गई है। निम्न में से किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? राजस्थान उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। सबसे ज्यादा खंडपीठ वाला कौन सा होगा? सबसे ज्यादा खंडपीठ वाला कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक खंडपीठ वाला होगा? राजस्थान होगा। फिर इनके खिलाफ क्या लिया जाएगा? ये भी बता दे इतना सा भाई, इनको हटाने के लिए क्या शब्द जो है प्रयोग में लिया जाएगा? अभी महाभियोग लाया गया था, मुझे लास्ट याद नहीं आ रहा, 2018 या 17 में लाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था ये, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, और एक बार लाया गया था 1993 में, एक बार लाया गया था 1993 में, दो बार लाया जा चुका है, लेकिन दो बार में ये पारित नहीं हुआ। एक सदन में आता है, जब से पहले दूसरे सदन में पारित हो उसके बाद में इस मामला जो है डिसमिस हो जाता है। तो भैया गुवाहाटी जो है, ये गुवाहाटी जो न्यायालय है इसमें सबसे ज्यादा है, इसका जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये चार के लिए काम करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श से करता है? निम्न में से किसके परामर्श से करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और उपयुक्त सभी से। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? अरे नहीं भाई, ये देख ले मेरा गांव कौन सा है, तेरे को अगर समझ में आ जाता है तो, यह है मेरा गांव। चलो भैया इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी आप लोगों ने उत्तर चुना है। भैया डी होगा, बी नहीं होगा। किससे परामर्श करके करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होगा, संबंधित राज्य का भी मुख्य न्यायाधीश होगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी करेगा। यानी कि उपयुक्त सभी से क्या कर सकता है भाई? परामर्श कर सकता है। ऑप्शन डी यहां पर दिया हुआ है, तो यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद पर गोपनीयता की शपथ लेता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की जो है गोपनीयता की शपथ लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष और राष्ट्रपति के समक्ष। कोई भी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो किसके खिलाफ जो है, किसके समक्ष, खिलाफ नहीं किसके समक्ष। हाँ समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया इसको। ठीक है, सी बता रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई भी जो है वो राज्यपाल के समक्ष तो क्या लेगा? शपथ। हाँ भाई, लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना, त्याग पत्र अगर आता है, त्याग पत्र आता है तो भैया राज्यपाल नहीं आएगा, फिर आपको राष्ट्रपति उत्तर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। जहां पर त्याग पत्र की बात आएगी वहां राष्ट्रपति, जहां शपथ पत्र की बात आएगी वहां पर क्या होगा? राज्यपाल होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां पर की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस, ध्यान रखना आचरण शब्द की बात कर रहा हूं, महाभियोग की नहीं कर रहा हूं मैं, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और कहीं पर भी नहीं। आचरण जो होता है, आचरण के ऊपर कहां पर बहस की जाएगी? समझ में आ गया इसको, बिल्कुल समझ में आ गया। गजानंद भैया जी को समझ में आ गया है। ओके भाई, तो भैया इसका राइट आंसर आप लोगों ने चुना है ए। भैया मैंने कहा आचरण के संबंधित इनके खिलाफ कोई भी बहसबाजी नहीं की जाती है, कहीं पर भी नहीं की जाएगी। ये संसद में केवल महाभियोग के लिए लाया जा सकता है, संसद में केवल महाभियोग के लिए लाया जा सकता है। आचरण के खिलाफ, इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की बहस नहीं की जा सकती, ध्यान रखना। आचरण के खिलाफ संसद में इसकी कोई बहस नहीं की जाएगी, है ना। केवल संसद में इसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, नोट डाल करके।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? भैया कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति सब विवेक से बहुमत की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अभी एक विद्यार्थी को मुझे उत्तर देना है, रणवीर सिंह को, और रणवीर सिंह तेरा प्रश्न का जो उत्तर है यहां पे मिल जाएगा। अरे एक तो मुझे दिखता नहीं, कम दिखता है, कमेंट्स बहुत छोटे आ रहे हैं, इसकी रूम की जो है डिस्प्ले बहुत छोटी है, और रूमों में तो बड़ा लगा हुआ है पीसी। चलो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है भाई? तो भैया रणवीर सिंह अगर सुन रहा है मेरी बात, तो रणवीर सिंह यहां पर मौजूद है। तो भैया विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो विशेष बहुमत जो शब्द है ये महाभियोगी है भैया। ये क्या है? महाभियोग है, और ये दोनों संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों से पारित होने का मतलब होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए, और विशेष बहुमत के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पर एक बार, ये भी तो होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विशेष बहुमत, ध्यान रखना भाई। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु में अगर लग रहा है कि किसी प्रकार का दिक्कत है, कोई समस्या है, ज्यादा हो गई है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। चलो भैया, अगर आयु का यहां पे समस्या है, देखो आचरण एक और चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, आचरण यानी कि इनके व्यक्तिगत आचरण का जो उल्लेख होता है उसका संविधान में कहीं पर भी कोई ना कोई जो है तथ्य नहीं है। अगर व्यक्तिगत आचरण है तो भैया फिर इसकी बहस संसद में क्यों करते हो? अगर व्यक्ति खराब है तो भैया सीधा का सीधा होगा, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जो होती है उसके लिए भी पहले नोटिस देना पड़ता है कि भैया इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दे। इसके खिलाफ कोर्ट में समन नहीं भेज सकते जब तक ये पद पर होते हैं, जब तक ये पद पर होते हैं इनके खिलाफ वारंट भी जारी नहीं हो सकता, क्योंकि ये गरिमा के शब्द भैया, क्योंकि ऐसे पदों को छूट दी हुई है। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जब तक वो पद पर है तब तक वारंट जारी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के आयु के बारे में, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपने चुना है, तो डी क्या हो जाएगा? राइट होगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? एक तरफ उच्च न्यायालय और एक तरफ मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर, उत्तराखंड की नैनीताल, मध्य प्रदेश की जबलपुर और उड़ीसा की भुवनेश्वर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक उच्च न्यायालय का अपना खुद का मुख्य पीठ होता है। उदाहरण के तौर पे हमने पढ़ा, जैसे राजस्थान का मुख्य पीठ कहाँ पर है भैया? जोधपुर में है। होना कहाँ चाहिए था? जयपुर में होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है। और ऐसे आपको 25 हाईकोर्टों में से आपको अपवाद वाले भैया याद ही कर लेने हैं, है ना। तो आप लोग इसका क्या बता रहे हो मेरे विद्यार्थियों? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में से आपने क्या चुना है जल्दी से बता दीजिएगा। बी बता रहे हो कि आप लोग? बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा भाई। देखिएगा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड का नैनीताल है, लेकिन अभी इसमें परिवर्तन के लिए एक जगह डिसाइड हुई है, मेरे को अभी आइडिया नहीं है वो कहां पर है, इसका परिवर्तन के लिए एक आदेश आ रखा है। और मध्य प्रदेश का बिल्कुल जबलपुर है। उड़ीसा जो है इसका भैया सीधा सीधा गलत है, ये भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, परंतु इसका मुख्यालय जो है कटक में है। भुवनेश्वर की जो हाईकोर्ट जो है वो कटक में है, सही नहीं होगा भैया, है ना, कटक में है ये भुवनेश्वर। हाँ, और ध्यान रखना मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है कहां पर है? भोपाल है, लेकिन भोपाल में न होकर ये कहां पर है? जबलपुर में है। उत्तराखंड नैनीताल है, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है कहां पर है? देहरादून है क्या? लेकिन ये नैनीताल में है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है? बिलासपुर है या रायपुर है? तो भैया बिलासपुर है, कटक बिल्कुल चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि ये अपवाद है, तो आपको भैया अपवाद याद करने हैं। जैसे गुजरात की राजधानी कहां पर है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। होना कहां चाहिए था? गांधीनगर होना चाहिए था, लेकिन भैया ये कहां पर है? ये अहमदाबाद में है। कहां पर है भाई? अहमदाबाद में है, ठीक है भाई। और एक मैं आपको विशेष सूचना बता देता हूं, आप लोग अगर राजस्थान के सभी जिलों से अगर आप नए जिलों में आए हैं, यानी कि राजस्थान के 19 नए जिलों में से अगर आप आते हैं, तो भैया
आपके पास में जो भी डिटेल्स, जो भी जानकारियां हैं, वो आप हमारे को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर एक तो मैं एडमिन हूँ, एक गणेश सर एडमिन है, एक प्रदीप सर एडमिन है, राम सर एडमिन है। तो आप वहां जाकर के हमारे पर्सनल जो है टेलीग्राम चैनल को वहां से कनेक्ट करके आप कोई भी आपके पास में प्रत्येक जिस जिले से आप, नए जिले से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप पूरी डिटेल हमें एक दो पेज में लिख करके बता सकते हो, तो आपका बहुत बहुत हम जो है स्वागत करेंगे। भैया स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि वहां का निजी जो लोकल व्यक्ति उसके बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि अभी तक हमने जिस प्रकार जैसे पढ़ाया अनूपगढ़ के बारे में हमें जीरो जानकारी है, क्योंकि अनूपगढ़ कभी गए नहीं। अब वहां का कोई लोकल बंदा है तो वो बता सकता है कि अनूपगढ़ में अब ये क्षेत्र आ गया है, ये क्षेत्र बीकानेर की तरफ हो गया है। तो आपके पास में है तो टेलीग्राम से वहां से भैया हमारे को जानकारी प्रोवाइड कराएं, तो बहुत बहुत आपका एक प्रकार से भलाई कर दूंगा मैं। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसको है? किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, संसद का और विधानमंडल का। संभाग खीचर साहब तो नए संभाग सीकर संभाग से हो गए शायद, है ना? बिल्कुल राइट उत्तर दिया भैया, संसद इसका राइट उत्तर है। इसका राइट उत्तर क्या है? संसद है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसकी किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करता है, है ना? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय है, क्रमशः अनुच्छेद 129 और 215 में। राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय विभिन्न अधिकरण व सैन्य न्यायालयों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र विस्तार का उल्लेख मिलता है। चलो भाई, अब आपको इसमें से यह छांटना है कि कौन सा असत्य है। तो कॉलेजियम के तहत इनकी नियुक्ति होती है, मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल सत्य है। और इनको एक दूसरे राज्य में अनुच्छेद 322 में जो है इनको क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही के खिलाफ जो है अभिलेख न्यायालय का बिल्कुल सही है, 129 और 115 ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय विभिन्न अधिकरण व सैन्य न्यायालयों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त करता है। अधीनस्थ न्यायालय छोटा होता है और ये उच्च न्यायालय को अपनी जो है पावर नहीं दिखा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ और राज्यों के ऊपर भी क्या होती है? लागू होती है। तो आप लोगों ने अगर सी उत्तर चुना है भैया, डी नहीं होगा, भावेश ने केवल उत्तर चुना है सी, इसका राइट आंसर होगा भैया, सी इसका राइट आंसर होगा। और ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A, अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 233A। अब आपको उत्तर यह चुनना है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रूप में बैठने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद में कौन सा आर्टिकल जो है इसकी परमिशन देता है। बिल्कुल सही उत्तर आया है 224A, इस बात की गारंटी देता है। कौन उत्तर दे रहा है भाई ये 224A? पीयूष यादव, वेल डन भाई, बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख जो है वो कहां पर है? 231, 230, 232 और 233। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट उत्तर आप लोग क्या चुनोगे भैया? बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है उल्लेख होता है अधीनस्थ न्यायालय का 233 में होता है। 233 से लेकर के 237 तक आपके जिला न्यायालय जिसे आप सत्र न्यायालय कहते हैं उसका, या सेशन कोर्ट जिसे आप कहते हैं उसका उल्लेख, हिंदी में इनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे आप इनको? अधीनस्थ न्यायालय। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट के मानस पुत्र है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। न्यायमूर्ति PN भगवती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और राजीव गांधी। भारत में मोबाइल कोर्ट जिसे चलित न्यायालय के रूप में जाना जाता है, इसके लिए भारत में कौन इसके मानस पुंज यानी कि इसकी शुरुआत करने वाले भारत के कौन से ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिसकी ये उपज है?
गुड इवनिंग भाई राधे राधे राजेश भाई। उत्तर आया है बावेश। बावेश आज इंटेलिजेंट हो गया, क्या बात है भाई। आज बावेश भैया बहुत अच्छे अच्छे लेवल के उत्तर दे रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम होगा। गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग भाई। एपीजे अब्दुल कलाम का माइंड है चलित वाहन। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो है तौत्रिक न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर काम करता है, तौत्रिक न्याय के लिए काम करता है। आ जाओ भैया, इनमें से आपको छांटना है, विचार करना और सत्य को बताना है। हाँ भाई सत्य बताओ भाई, सत्य की बात चल रही भैया, आप सत्य की बात करेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। मेरे हिसाब से तो ये बात सही बैठ रही है। जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला व सत्र न्यायाधीश होती है, जिस उल्लेख अनुच्छेद 233 में। मैंने अभी कहा आपको जिला और सेशन कोर्ट जो होता है वो 233 में होता है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का विधि का कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगर कोई मजिस्ट्रेट बनता है, जिला न्यायाधीश बनता है, तो उसके पास 7 वर्ष का पीछे का अनुभव होना चाहिए या 7 वर्ष वकालत का उसको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जैसे आरजेएस अधिकारी होता है तो वो अधिकारी के रूप में भी होना चाहिए। जब सत्र न्यायालय मौत की सजा देता है तो इसका क्रियान्वयन करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला न्यायाधीश अगर मौत की सजा सुना रहा है भैया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट से क्या लेनी चाहिए, परमिशन। तो मेरे हिसाब से तो भैया इसके 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप लोग। इसके चारों को चारों जो ऑप्शन है वो राइट होंगे, वापस देख लीजिएगा। परामर्श के लिए राज्यपाल, जिले का उल्लेख 233 और उसके पास 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और अगर इसका कोई मौत का कारण है तो भैया सुप्रीम हाई कोर्ट में इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई चौटन बाड़मेर में, आसिंद भीलवाड़ा में, बस्सी जयपुर में और निवाई टोंक में। चलो भाई ये तो उत्तर आप दे ही सकते हो, क्योंकि ये तो आप हजारों बार पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से तो राजस्थान में आप इस प्रश्न को तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न अनेकों बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बिल्कुल सही उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। और भैया बिल्कुल बस्सी, बस्सी जयपुर में है। जयपुर सिटी से एक सुरंग जाती है, आपको बताओ तो ट्रांसपोर्ट नगर घाट की गुणी। इस सुरंग को पार करने के बाद ये रोड जाता है आगरा रोड। तो जयपुर से आगरा रोड जाता है और ये दौसा की तरफ जाता है, रोड का नाम है आगरा रोड। तो यहाँ पर एक भैया बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन तहसील स्तर पर आता है बस्सी। बस्सी में है और यहां पर 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2009 में एमपी में हुई थी। और भारत में वर्तमान में बात राजस्थान में बात करें तो भैया 45 ग्राम न्यायालय हैं राजस्थान में। कितने ग्राम न्यायालय हैं वर्तमान में? 45 ग्राम न्यायालय हैं। और सरकार राजस्थान में 145 ग्राम न्यायालय और खोलने पर विचार कर रही है। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या उदयपुर में है। सबसे ज्यादा ग्राम न्यायालय कहां पर खोले गए हैं? उदयपुर में खोले गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं होगा? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जिला न्यायाधीश को एक श्रेणी में बांटा गया है। इसके अंदर अगर 8 से 10 ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जैसे मुख्य प्रेसिडेंसी, सेशन कोर्ट, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत अभिवाद में शामिल नहीं होता है? डी नहीं होगा भैया। अधिकरण कोई न्यायाधीश का प्रकार नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश होता है, सेशन न्यायाधीश होता है, अपर न्यायाधीश होता है, अधिकारी न्यायाधीश होता है, सेशन न्यायाधीश होता है ना, फौजदारी न्यायाधीश होता है और सिविली न्यायाधीश होता है, लेकिन अधिकरण न्यायाधीश का कोई इसमें प्रावधान नहीं होता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं? 14 से 31, 27 से 32, 33 से 37 और 34 से 40। ये प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। 27 नंबर का, बिल्कुल 27 नंबर का उत्तर दे चुके हैं विद्यार्थी दिनेश, एके कुमार, भावेश, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो। 233 से स्टार्ट होता है और 237 तक भाई चलता है,
ओके भाई, अब तो जयपुर ग्रामीण में आ गया है ये तो। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन नहीं आता? सत्र न्यायालय, मुंसिप न्यायालय, राजस्व न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि अधीनस्थ न्यायालय में क्या क्या आते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था अभी कि भैया मुख्य प्रेसिडेंसी आता है, सेशन कोर्ट आता है, लघुवाद आता है। ऐसा ही प्रश्न एक और आ गया है कि इसमें कौन सा और नहीं आ रहा है? सत्तर, मुंसिप, अतिरिक्त जिला न्यायालय की अदालत और राजस्व मंडल। चलो भैया, क्वेश्चन संख्या कौन सा चल रहा है? 28 का। आप लोगों ने क्या उत्तर चुना है भैया, एक बार चुन लीजिएगा फटाफट से। ओके, क्या चुना है भैया? राजस्व मंडल नहीं आएगा भैया। राजस्व मंडल अपने आप में अलग न्यायालय है और ये अजमेर के, इसमें अजमेर में इसका मुख्यालय है। और राजस्व मंडल किसके लिए है? ये राजस्व मंडल भू राजस्व रिकॉर्ड के लिए है, ये पटवार मंडल जो है उसके लिए है, इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आता मेरे भाई, बाकी तो सारे के सारे आते हैं। PIL जिसे आप कहते हैं ना, जनहित याचिका या लोक हित याचिका, या लोक हित याचिका, चलो भैया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन और पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन। चलो भाई, हाँ भावेश बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, सब बहुत अच्छे हैं और सब सारे शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सारे शिक्षक मेरे से बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। जिस भी YouTube पर सब जो सब पढ़ा रहे हैं मेरे से बेहतरीन है, मैं उन सब में अपने आप को जो है उन सब का विद्यार्थी मानता हूं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन क्या होगा भैया, ध्यान रखना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, हित की बात कर रहा है। हित का मतलब होता है इंटरेस्ट, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होगा, जनहित याचिका, राइट आंसर होगा इसका बी। आप लोगों ने बी चुना है क्या? बिल्कुल, देखो संगणक का एग्जाम भी है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम ही है, और सरकार की यहां पर जो है, सरकार की यहां पर नाक का सवाल हो गया, एग्जाम मेरे हिसाब से होगा क्योंकि सरकार बिल्कुल तैयार है, बंदोबस्त है। PIL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में, केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ये जो PIL यह जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कहां पर किया जा सकता है? BD। देखो कुंभावत, ये अक्षय पूछ रहा है क्या, अंकुश विजय, भैया संगणक का एग्जाम, देखो मेरे हिसाब से तो भैया नियत समय पर होगा, 101% है नियत समय पर होगा, और आप भी इसी को मान के चलिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट में अफवाहें चल रही है कि कुछ रीजन हो सकते हैं, सरकार के पास में अभी उसने इस्तीफा दे दिया, उधर उसने इस्तीफा दे दिया, तो भैया एग्जाम के लिए केवल परमिशन गवर्नमेंट पे करती है, मुख्यमंत्री के यहां से भैया जो है आदेश जाते हैं, तो वहां उनके केवल कहने की ही जो है देरी होती है, कोई भी कार्यवाहक बनेगा और उस काम को संभालेगा। लोकहितवाद की संकल्पना का जनक कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। लोकहितवाद का जो सबसे पहले शुभारंभ हुआ था, एक एक कुमाऊत को बड़ी चिंता हो रही है कि गुरुजी का समय, एक एक कुमाऊत जल्दी इसका, अब यहां पर इकोनॉमिक्स चलने वाली है, तुम्हारी पॉलिटी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना, इसमें दो चार टॉपिक और बड़े बड़े बचे, बाकी पॉलिटी पूरी है इसमें। तो भैया ये अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लोक हितवाद की संकल्पना का जो जनक है वो कौन सा देश? अमेरिका है। 32, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं करता है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। एक सही है, दो सही है, ना एक और दोनों सही है, ना एक और ना दो सही है, यानी कि ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है इसमें किस प्रकार की बात आप करोगे और किस प्रकार से ये चलेगा, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो होंगे इसके सही होंगे। हाँ भाई, तो इसका राइट आंसर आप क्या चुनोगे? 32 का एक या दो, एक या दो, आप लोगों ने कुछ उत्तर चुना नहीं अभी तक, बहुत लेट उत्तर दे रहे हो।
सर आप दोबारा से पढ़ा दीजिए। हाँ ये वाले क्वेश्चन तो मैं आप टेंशन, मतलब ये क्वेश्चन टाइप हो गए हैं परमानेंट, ये क्वेश्चन हमारे टाइप हो चुके हैं परमानेंट। अब मैं तो जब भी मैराथन भी लगेगी तो 12 घंटे पढ़ा दूंगा आपको, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बार बार क्वेश्चन टाइप करवाने की दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये आपराधिक मामलों पर भी सुनवाई कर सकता है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दो प्रकार के विवाद होते हैं, एक आपराधिक, आपराधिक को बोलते हैं कौन से वाले, फौजदारी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फौजदारी, और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, क्रिमिनल, सॉरी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रिमिनल। फौजदारी आपराधिक मामलों को तो बोलते हैं क्रिमिनल, और एक होता है दीवानी, दीवानी को बोलते हैं भैया सिविल, सिविल मामले, सिविल मामले, और एक होते हैं आपराधिक मामले। तो दीवानी मामले में तो अधिकतर पैसों से लेन देन से संबंधित होते हैं, मारपीट, शांति भंग, लड़ाई झगड़ा, भैया जो मामला होगा वो आपराधिक में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने के पहले मामलों को निपटारा करने की है, और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय से लंबित हो। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सिविल भी हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब इसमें से राइट आंसर को छांटना है आपको, कौन सा एक जो है सही है, बाकी तीन गलत हैं और जो है एक सही है। अरे वाह यार दिनेश भाई, अब तेरे को क्या ही बोलूं। अच्छा थ्योरी की बात चल रही है क्या, नहीं नहीं कोई, अरे मैं कह रहा हूं आप तो मस्त हो जाओ इस चैनल पर, आपको बिल्कुल और बिल्कुल आप लोगों की बात सुनी जाएगी, विद्यार्थी हित पहले है, टीचर हित बाद में है। तो इसमें से आपको केवल और केवल क्या पूछना है भैया, सही पूछना है। लोक अदालतों में किसी न्यायालय में लंबित हो, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले किसी मामलों को निपटारा करने की, और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो, यानी कि जो है ये भी गलत है। प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, नहीं भैया बाहर का व्यक्ति भी इसकी सुनवाई कर सकता है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल है न कि आपराधिक, दोनों प्रकार के मामलों का कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई सा भी जो है सही नहीं है, इसमें से कोई सा भी जो है सही नहीं है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो भैया संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपयुक्त में से किसकी जो है, अरे लड़कों लड़कों सुधर जाओ, लड़कों सुधर जाओ, संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन, न्यायिक पहल के द्वारा, और उपयुक्त में से किसके द्वारा इसकी जो है शुरुआत की जाती है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक न्यायिक पहल के तहत जनहित याचिका की क्या की गई थी भाई, शुरुआत की गई थी। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से और न्यायिक स्वतंत्रता से। न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है, न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे माना जाता है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से और न्यायिक स्वतंत्रता से। डी, बिल्कुल सही उत्तर दिया कविता दीदी ने, और सही उत्तर क्या दिया भैया, न्यायिक स्वतंत्रता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है, न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है न्यायिक स्वतंत्रता ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भारत में जनहित याचिका का जनक कौन है, वी नरहरि राव व पी एम अयंगर, वाई वी चंद्रचूड़ व आर एस कृष्णमूर्ति, पी एन भगवती, वी एस कृष्ण अय्यर, एस के सीकरी व जे एस वर्मा, कौन इस जनहित याचिका के पिता के रूप में भारत में जाने जाते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है, और आप लोग इसका क्या बता रहे हो भैया, 36 का उत्तर दो भाई, 36 का उत्तर आप लोगों ने अभी तक दिया नहीं है, तो भैया फटाफट से उत्तर दे दीजिएगा 36 का। बिल्कुल रणवीर सिंह, बहुत अच्छा, पीएन भगवती और वीएस कृष्ण
अय्यर जो है राइट आंसर होगा। इसके लिए भैया पी एन भगवती और वी एस कृष्णा जो अय्यर है इसका राइट आंसर होगा। जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिले का जो न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और भारत के मुख्य न्यायाधीश को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें अपन जिला न्यायाधीश कहते हैं, है ना, डीएम के रूप में भी इनको जानते हैं। भैया इसका जो है सही उत्तर आना चाहिए, उत्तर ये गलत नहीं होना चाहिए, फैक्ट पर्सन है, ये फैक्ट पर्सन है, ये गलत कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन वाले पर्सन है, ये गलत हो रहे हैं तो भैया समझ लीजिएगा मामला गड़बड़ झाला। इसे नहीं किया तो भैया लंका डूब जाएगी हमारी। तो इसका राइट उत्तर बिल्कुल सही है, राज्यपाल होगा। ऐसे प्रश्न आपके कभी भी गलत ना हो, मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को ठीक से आप चुने। और आप लोगों के लिए आज का जो सेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा, 37 क्वेश्चनों के साथ हमने इस क्लास का जो है समापन किया है। कैसी रही क्लास एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं, और एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम का स्तर भैया आजकल इसी लेवल का हो चुका है। हाँ भाई, मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहता हूँ, प्रदीप सर बाहर आपका वेट कर रहे हैं कि कब क्लास खत्म हो, कब क्लास में एंट्री लें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और ये जीवन में इसी प्रकार से तुम आशा और उम्मीद के साथ बने रहो, क्योंकि आशावादी रहोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी आते हैं क्लास में निराशावादी, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप तो अपनी तैयारी को बहुत तरीके से तैयार रखो और मस्त रहो, बिंदास रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। आगे भी आपको ऐसे ही सेवाएं मिलती रहेंगी। जब तक आप क्लास 24 पे हैं, आपको इससे भी बेहतरीन बेहतरीन और भी सेवाएं देखने को मिलेंगी। जो ऑनलाइन जगत में सबसे सराहनीय काम किया जा रहा है वो क्लास 24 के द्वारा किया जा रहा है, और प्रदीप सर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। प्रदीप सर भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप सर को अपडेट होना पड़ेगा भैया, पूरा भूगोल। गहलोत जी ने सबसे बड़ी जिम्मेवारी भूगोल वालों को दी है कि भैया राजस्थान के मैप को सुधारो और बच्चों को सही सही जानकारी प्रोवाइड करवाओ कि कौन सा हाईवे किधर से गुजर रहा है। गुरुजी विशेष ध्यान रखना, बच्चों का हाईवे वाला जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। कोई सी नदी जो है बच्चों की गलत जो है जिले से नहीं निकलनी चाहिए। अगर गलत जिले से निकाल दी तो बच्चे भी उधर से निकाल देंगे। क्योंकि मैं आज पढ़ रहा था पेपर में, एक तो कातली नदी के बारे में आया था और एक गग्गर नदी के बारे में, कि गग्गर नदी भैया 3 जिलों से हो गई, अब अनूपगढ़ और जोड़ना पड़ेगा, और जो है क्या नाम है कातली नदी भैया अब नीम का थाना से निकलेगी, खंडेला जो है नीम का थाना में आ गया। तो भैया परिवर्तन बहुत हो रहा है, बाणगंगा नदी का भी परिवर्तन हो ही चुका है आपको पता है। तो भैया नदियां सड़कें सबको आपको अलग अलग पढ़ना है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन इजी आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी आपको सही है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि ज्योग्राफी जो थी अब जो है बदल के आएगी, अब लग नहीं रहा कि अब इजी आएगी। और मैं तो चाहता हूं कि भैया आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पेपर लेवल का आना चाहिए, क्योंकि लल्लन टॉप अगर पेपर आता है तो भैया आपका तैयारी करने वाले हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। और प्रदीप सर अब जो है आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो भाई सभी को मेरा प्यारा नमस्कार, राम राम सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। फटाफट से आ जाइए क्लास में, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से अपन यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मुलाकात करने वाले हैं और एक अच्छा शानदार सेशन हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम आपकी तैयारी को और भी, ज्योग्राफी वाले टीचर दिक्कत हो गई है, नहीं हुई बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे ना, क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तब होती जब हम कुछ कर ही नहीं होते, हम पन कर रहे हैं, और करने वालों की कभी या मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनाई है वैसा आप लोगों ने तो, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बताओ हार हो सकती है क्या हमारी? नहीं हो सकती। बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को, आप भी खुद कहोगे सर एक ही साथ दो डाटा, बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाऊंगा। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और फटाफट से एक बार जितने भी स्टूडेंट ने थमका निशान बनाकर भेज दें, क्योंकि आपके दिखाए हुए लाइक और थम के निशान देखकर बड़ी खुशी होती है, और मुस्कुराते हुए चेहरे भी भेज दें। आशा करता हूँ घर पर सब कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, और शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले स्टार्ट हो जाओ के निशान और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। पहला क्वेश्चन आ चुका है, राज्य के कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 10, 16, 9, 12। हाँ ये एके कुमावत बहुत अच्छा करा बेटा।
होगी बेटा, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत बेहतरीन करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए, राज्य में कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो जाओ, अपने कारवां को आगे बढ़ा दीजिएगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ये तो अपन ने सीखा ही नहीं है, सीखना। चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों, फटाफट से पहले क्वेश्चन के साथ जितने भी बच्चे हैं शुरुआत कर देंगे अपने द्वादार आंसरों की। मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? चलिए बच्चों ने यहां पर पहले क्वेश्चन के अंदर अच्छा ऑप्शन चुना है और बच्चे यहां पर अलग अलग आंसर लेके आ रहे हैं, पर मैं बता दूं, ठीक है, थ्योरी करवा दी बेटा मैंने मॉर्निंग वाली सेशन में। राज्य के कितने जिलों में, देखो बच्चों बात हो रही है राज्य के कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। बच्चों ध्यान रखना, इसमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार दोनों की यहां पर हिस्सेदारी है कि राजस्थान राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी है। क्या आप लोग बता सकते हैं यहां पर दोनों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? क्या आप बता सकते हैं कि दोनों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर हिस्सेदारी 75 की हिस्सेदारी यहां पर पाई जाती है। यह बात आपको विशेष रूप से स्पेशली रूप से ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, राज्य में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष 1971-67 में, 66-67 में, 77-78 में, 81-82 में। देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज के, तो मुझे लग रहा है आप लोगों के ऑप्शन देखकर, आप लोगों के आंसर देखकर और मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल। मरु विकास कार्यक्रम बताओ आंसर क्या होगा, मरु विकास कार्यक्रम आंसर क्या होगा? फिर से स्टार्ट हो जाओ। चले भाई, मरु विकास कार्यक्रम के लिए बच्चे में आ रहे, फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, सी ऑप्शन लेके आ रहे हैं सर, 77-78। ओके, 77-78 पर सही कर दीजिएगा। देखो मरु विकास कार्यक्रम की अगर अपन बात करते हैं, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि इस मरु विकास कार्यक्रम से एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते? देखो एग्जाम आप लोग देते हो, एग्जाम के पेपर हम देखते हैं और बताते हैं, बच्चों को एनालाइज करवाते हैं कि ऐसा पर्सन हुआ, ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो वो जो हम एनालाइज करवाते हैं आप लोगों को, वो बताते हैं बातें, वो तमाम बातें हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा आपका यहाँ पर कि आते कि नहीं आते? आते हैं, और जब आते हैं तो बिल्कुल सही रूप से लेके आते हैं। अभी अभी तो अपन ने पूछा कि कितने जिलों में चलाया जा रहा है, तो आप लोगों ने बताया कि सर ये तो 16 जिलों में चलाया जा रहा है। अगर बच्चों मैं यहां पर आप लोगों के लिए सब लिख दूं कि कितने खंडों में चलाया जा रहा है, तो अब बताओ मेरे क्यूट से नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों आंसर क्या होगा, कितने खंडों में ये चलाया जा रहा है? फटाफट से बताओ, यहां पर खंड यूज कर दिया इसने वर्ड, कितने खंडों में चलाया जा रहा है ये वर्ड इसने यूज किया है, फटाफट से बताइएगा अब आंसर क्या होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन करेंगे इत्मीनान से, बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है मुझे आप लोगों को, ठीक है। कितने खंडों में किया जा रहा है यह बताना, आपको कितने खंडों में किया जा रहा है? कितने खंडों में? टंटनन, नहीं, ध्यान रखना बच्चों, यहां पर आपका आंसर होगा 85, 85 खंडों में। कितने खंड है इसके? 85 खंड में इसको विभाजित किया गया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखो मरु विकास कार्यक्रम अलग बात है, मरु विकास बोर्ड अलग बात है, और यह भी इसमें पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी यह पूछ रहा है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है ये, तो अब बताओ आपका आंसर यहां पर क्या होगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विकास बोर्ड पूछा है बेटा, आंसर अब आप लोग सोच समझ के बताइएगा, देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं। तो बच्चे यहां पर
बेटा अभी क्वेश्चन करना, मैं सब बताऊंगा यार, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। तो मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई है 1966 में। डी ऑप्शन होगा यहां पर। माय डियर ध्यान रखना, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, यह बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखो मरु विकास कार्यक्रम अपने आप में अलग चीज है, कार्यक्रम अपने आप में अलग चीज है, और मरु विकास बोर्ड अपने आप में अलग बात है। दोनों चीजों में डिफरेंस है, सेम मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय अनुपात था, यह क्वेश्चन मैंने करवाया है, पर कब से था तो यह ध्यान रखना, 1 अप्रैल उससे पहले से पहले। इसमें पूर्ण योगदान राज्य सरकार का था, पूर्ण योगदान, योगदान किसका था? राज्य सरकार का था, राज्य का था, ठीक है। परंतु यह कह रहा है कि इसके बाद जब दोनों इसमें शामिल हो गए तब यहां पर अब आंसर किस प्रकार से आएगा, फटाफट से बताइएगा। अब यहां पर आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ कि अब यहां पर आंसर क्या होगा। बढ़िया शुरुआत, बेहतरीन और अच्छी शुरुआत। बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हैं सर, 75-25 आपने बताया तो था भी थोड़ी देर पहले। अच्छा मैंने बताया था क्या? तो बिल्कुल सही बताया था, आप लोगों का आंसर फिर से सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? मृदा नमी के संरक्षण की, भूमिगत जल पूर्ण भरण व पूर्ण भरण की, बालुका स्तूप स्त्रीकरण की, वातरोधी बालुका रूपी पट्टी की। अब बताओ कि मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण में कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? देखो आज लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर रियल में आप लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो ना रियल में, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आपको जरूर देखने चाहिए। बताओ भाई, लॉजिकल क्वेश्चनों की बात हो रही है और आपके लिए मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, बताओ आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं कि सर वृक्षारोपण करवाएंगे हम, तो वृक्षारोपण डी ऑप्शन लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर यहां पर परफेक्ट होगा कि यहां पर वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी का होना बिल्कुल सही है। अगला, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है, प्रयाण प्रक्रिया का संबंध मरुस्थलीकरण में शीतकालीन वर्षा से, मरुस्थल में चरम तापमान से, मरुस्थल में का विस्तार से, मरुस्थलीकरण भूजल स्तर में गिरावट से। देखो अब आज मैं कह रहा हूं ना, अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि सिंपल सी बात मिल जाए, हम सिंपल से क्वेश्चन यहां पर कर लें हमारा काम बेहतरीन हो जाए। आपका काम बेहतरीन होगा पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बताओ अब बताओ आंसर क्या होगा। स्टूडेंट स्टार्ट हो जाओ भाई, इतना टाइम नहीं लेंगे अपन, फटाफट से बताओ क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास 100+ है आज भी। हो सकता है टाइम कम है पर क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होने वाला है, बता दो यार ऐसे क्या कर रहे हो।
कोई नाराजगी तो वैसे बताओ, कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी है तो वैसे बता दो, बाकी आंसर तो दे दो यार। बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन को सही कर दो सर। ठीक है तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप हमारी बात को। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो वो है आप लोगों के मरुस्थल का विस्तार से। और मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है सर्वाधिक वायु अपरदन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? वायु अपरदन के माध्यम से होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है माय डियर। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अल्प वर्षा या नगरीकरण। अब बताओ आंसर क्या होगा। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अल्प वर्षा, नगरीकरण। बताओ मानव जनित कारण कौन सा नहीं है? चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ। फिर से अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, फटाफट से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से बता दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मानव जनित कारण कौन सा नहीं है? देखो बच्चों आपको पता है पशु तो मनुष्य चराने जाएगा, कौन रोकेगा भाई उसको? कोई नहीं रोक सकता ना। ठीक है उसके अलावा बात करें भूमि उपयोग का परिवर्तन भी मनुष्य ही करेगा, नगरीकरण भी मनुष्य ही करेगा, पर अल्प वर्षा, वर्षा में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। अल्प वर्षा, वर्षा में मनुष्य का कोई योगदान है क्या? वर्षा में मनुष्य का कोई योगदान है ही नहीं। जब योगदान नहीं है तो फिर आंसर भी क्यों है? आंसर भी नहीं है, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वर्ष 23 नहीं है यार, 3 है। 2002-2003 में राजस्थान में कितने जिले सूखे प्रभावित थे? 33, 31, 32, 33, 31, 32, 33। बताओ कितने जिले। अगला क्वेश्चन फिर से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो स्टार्ट हो जाओ। वर्ष 2002 और 03 में राजस्थान में कितने जिले सूखे प्रभावित थे? अब बताओ अगले ही क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, फटाफट से बताओ यार अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अच्छा देखिए आंसर देखते हैं। नमस्ते, बिल्कुल 31, 33। अरे वाह सारे स्टार्ट हो गए, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमें तो आंसर देना है। बोलो हाँ कि सर हमारे आंसर ठीक हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हमें तो आंसर देना है। ऐसी सोच कभी मत रखिएगा, आंसर आपका बेहतरीन होगा नहीं रखने पर ऐसी सोच। चलिए देखते हैं बच्चे के आंसर क्या आते हैं। और वाह भाई सारे के सारे भयंकर आंसर लेकर आए। मेरा आंसर सुनना चाहोगे तो सुनो मेरा आंसर। वर्ष 2002 और 3 में सर्वाधिक जिलों की संख्या थी 32, 32, एक ही नहीं था बाकी सारे लपेटे में थे, एक ही नहीं था बाकी सारे के सारे लपेटे में थे 2002 और 2003 में। भूल गए क्या? ऐसे मत करना, इस समय तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है। राजस्थान में किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक रही? अब बताओ किस वर्ष सर्वाधिक रही? अगला ही क्वेश्चन है। अरे देवताओं कोई नहीं, मैं ही हूं। चलो बताओ फटाफट से किस वर्ष सर्वाधिक रही, बताओ किस वर्ष सर्वाधिक रही। किस वर्ष सर्वाधिक रही? चलो स्टार्ट हो जाओ यार। अरे कोई दुआ तो करो ये पेट ठीक हो जाए, ये पेट ठीक नहीं हो रहा, ध्यान रखना क्लास से फिर से रुक जाएगी रास्ते में। बताओ वर्ष सूखा प्रभावित क्षेत्र किन जिलों में प्रभावित हुई? तो यहां पर आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही है, क्योंकि 32 32 जिले अपने आप में कम नहीं होते, बहुत अधिक होते हैं। बी ऑप्शन होगा आपका यहां पर, बी ऑप्शन होगा।
परफेक्ट है, बी ऑप्शन होगा। जब कह रहा है कि जिलों की संख्या सर्वाधिक, यार अब एक जिला बच गया, इसके अलावा क्या होगा, 33 तो किसी में हो नहीं सकता ना, ठीक है, 33 तो किसी में हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिलों में चलाया जा रहा है, ये देखो कोटा मरु और यह सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है, जिसे बोलते हो आप लोग DPAP, कितने जिलों में चलाया जा रहा है। दुआ करते हैं ठीक हो जाए रे यार ऑफिसियल रणवीर सिंह, ठीक होते ही तो मेरे से मिलने आता ना बेटा, मैं बिल्कुल तेरे को मावे की चक्की खिलाऊंगा यार, सच्ची कह रहा हूँ बेटा, बहुत परेशान हो गया मैं इससे, फटाफट से बताओ, मैं चाहता हूँ आपकी क्लास लंबी और थोड़ा एंजॉय से लूँ, पर कहीं ना कहीं ये पैर उचकने फुदकने नहीं देता यार, ठीक है। बताओ बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ गया, अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन बच्चे लेके आ रहे हैं सर, 12 जिले, कोई कह रहा है 13 जिले, कोई कह रहा है मन में आए जितने जिले, तो ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा राजस्थान जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जिलों की संख्या अलग होगी। देखो राजस्थान में बच्चे आप लोग बता रहे हो 12 जिले, ये तो राजस्थान के मरुस्थलीय जिले हैं, ये तो राजस्थान के कौन से जिले हैं, मरुस्थलीय जिले, 12 मरुस्थलीय जिले हैं, कितने 12, आंसर होगा 13, आंसर कितना होगा 13 में, कितने में 13 में, ठीक है 13 में होगा। आ गया बात समझ में आप लोगों के यहां पर, तो यह बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है बच्चों। एक बार क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आज के आपको, तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फटाफट से, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं भाई। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, 74, 75, 80, 81, 85, 86, 90, 91 में। अगला ही क्वेश्चन मेरे प्यारे से स्टूडेंटों के लिए फिर से बताओ, अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस वर्ष प्रारंभ हुआ, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 74, 75 में। अच्छा तो सुनो मेरी बात, बिल्कुल सही है आपका जवाब, 74 और 75 में हुआ था, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कोई संदेह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मैं यहां पर फिर से आपसे पूछूंगा कि यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बताओ क्या अनुपात रहा है सहयोग में, केंद्र और राज्य सरकार का बताओ क्या अनुपात रहा, यह बताओ इसमें केंद्र व राज्य सरकार का क्या अनुपात रहा, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का क्या अनुपात रहा, यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा, यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। आ जाओ भाई आ जाओ फटाफट से, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से और फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका आंसर नहीं 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 मेरे प्यारे से लन्ने मुन्ने राइयो, 50-50, 50-50, 50-50, 50-50। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए फिर से, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम सेम क्वेश्चन है, अगला बताओ, अरे ये क्या हो रहा है, आज ये बताओ बताओ रे भाई,
टाइम कौन लगाता है? चलो बताओ बेटा फटाफट से। अरे ले दूंगा भाई जल्दी से बताओ। गत तीन दशकों में राज्य में 90% अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे में आए थे? ए क्यों चुन रहे हो जब आपको मैंने इतना अच्छे से बता चुका है इसके बारे में यार, जब इतने अच्छे से बता चुका मैं आपको इसके बारे में फिर भी। फिर भी गत तीन दशकों में तो बच्चों गत तीन दशकों की जब बात हुई है तो अब आपको पता है ओबियसली क्लियर कह चुका है कौन ये कि भाई दो और तीन इसके परफेक्ट आंसर होंगे। ठीक है अगला, अरावली नवनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? नहीं आता सर, थोड़ा स्पीड रखिए कोमल। बिल्कुल बेटा 100% बिल्कुल 100% स्पीड रखेंगे बेटा, पर लाइक और शेयर कर दो जिससे पहले सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। और बताओ अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये लो भाई स्पीड बढ़ा देंगे, एक्सीलेटर रख दिया, डुर स्टार्ट हो गई गाड़ी। चलो स्टार्ट करो, आवाज कर दो फटाफट से। चलो मैं ही बता देता हूं, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत देखो सीकर, पाली, नागौर, अजमेर, तो किस जिले को नहीं रखा गया? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं। नागौर को, अब बच्चों ने यहां पर दिमाग लगा लिया कि गुरुजी नागौर में तो अरावली है नहीं, तो हम नागौर को ही आंसर दे देते हैं। पर मेरे ये नन्हे मुन्ने से कब समझेंगे कि जरूरी नहीं है किसी का होना या ना होना, ठीक है, पर आंसर होगा यहां पर। ओ मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयो, इधर देखो, ओ इधर देखो, इधर आंसर गलत दे चुके हो आप, आंसर अजमेर होगा यहां पर आंसर, आप आंसर गलत दे चुके हो। सुनो ना, ओ सुनो मेरे प्यार से नन्हे मुन्नो, आंसर होगा अजमेर। तो ध्यान रखना इसमें जो संबंध नहीं जोड़ा गया वो अजमेर के साथ नहीं जोड़ा गया मेरे बच्चों, आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की भौतिक कारण नहीं है। आज मैं मरुस्थलीकरण के पीछे पड़ गया, ये आपके टॉपिक आता है मरुस्थलीकरण, ठीक है ना, आज इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे अपन। बोलो तैयार हो ना सारे स्टूडेंट, तो एक बार तमगा निशान बनाकर भेज दो कि हाँ सर आज इस मरुस्थलीकरण को तो अपन कंप्लीट करके छोड़ेंगे। और यहां से ऐसे पर्सन काफी बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है, जलवायु, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालुका व बालुका स्तूपों का एक स्तूप होना। अब बताओ आंसर क्या होगा, बताओ भाई आंसर क्या होगा। चलो चलो स्टार्ट हो जाओ भाई, स्टार्ट हो जाओ। एक्सीलेटर पे मैंने रखा है पैर, आप नहीं रखोगे क्या? रख दो ना पैर, किस पे? एक्सीलेटर पे, फटाफट से बताओ आंसर क्या हो। चलो बता दो आंसर क्या होगा। अरे वाह भाई क्या बात है लालचंद, बहुत भयंकर तरीके से गलत आंसर दे दिया बेटा ना। बेटा जी देखो क्वेश्चन तो पढ़ो, भौतिक कारण नहीं है तो वो नहीं है कौन सा? भूमि उपयोग में परिवर्तन है, भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन यहां पर मोस्टली बात की जाएगी, भूमि उपयोग में परिवर्तन इसका संबंध यहां से रहेगा, भूमि उपयोग में क्या परिवर्तन। अगला, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अन्वयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र है 65, 67, 59, 70। अब बताओ आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, और बोल दो मेरे साथ एक बार भारत माता की जय, और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बताएगा क्या आंसर होगा। बहुत बहुत करीब से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत करीब से, बहुत दूर से नहीं, बहुत करीब से आंसर देना है। अच्छा रेणुका, ओ भाई रेणुका, रेणुका कह रही है सर
सी ऑप्शन को सही कर दो। भावेश कह रहा है कि सर मेरी बात सुनो, 65 को सही कर दो। और अनीसा शर्मा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू गुड़िया, भारत माता की जय बोला आपने, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा अब मेरी बात सुनो आप लोग, यहां से देखो मेरे प्यारे से शहरों और श्रेणियों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपका यहां पर आंसर एक भी नहीं है, आपका आंसर यहां पर एक भी नहीं है। कि सर आंसर क्यों नहीं है, तो बेटा आंसर होगा 62%। तो फिर हम किसको माने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको मानना है 59%। कि सर 65 को क्यों नहीं मानो, कि मत मानो, मैं मना कर रहा हूं इसलिए। आगे बात समझ में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बच्चों से भारत माता की जय नहीं बोली गई, मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है मैं किनको पढ़ा रहा हूं, अरे ये क्या बात हुई, एक गुड़िया ने बोला बाकी किसी ने नहीं बोला, ये तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, इंडिया बिल्कुल भारतीयों को पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, अरे भारतीयों को पढ़ा रहा हूँ या इंग्लैंड के लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट्स करके, अफगानिस्तानी तो नहीं हो ना मैं पढ़ा रहा हूँ जो भारत माता की जय नहीं बोले यार, चलती गाड़ी में पढ़ जाते हैं चढ़ जाते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे है क्या, चलो कोई ना, यहाँ पर आप लोग गलत जवाब कर चुके हो। वैसे निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, नहीं है नहीं है, अब बताओ कारण नहीं है, कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, नहीं बोल दिया उसने पहले ही, ठीक है, तो केवल भारत माता की जय यार तुम बोलने में सक्षम नहीं हो यार, अरे भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को बिल्कुल शांति प्रदान करे और वो बिल्कुल। चलिए थैंक यू बेटा, अब की बार बच्चों ने फिर से सी ऑप्शन को चुना है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा यहां पर आपका क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या आना है, बहुत बढ़िया थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है वनोन्मूलन, अरे पेड़ लगाओ, ठीक है बिल्कुल मैं भी। राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, अब बताओ हम जे बोल सकते हैं, बोलते रहेंगे इन फ्यूचर, जब कभी भी हमें ऐसा मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल बोलते रहेंगे, ठीक है। तो राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशाओं में, मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों फिर से एक बार आप लोगों ने अच्छे प्रयास किए, यहां पर आपका आंसर यहां पर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अरे भाई डेजर्ट किधर से किधर की ओर बढ़े, किधर से किधर की ओर बढ़ेगा, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो ध्यान रखना, ये जो डेजर्ट आपका बढ़ने वाला है ना, ये डेजर्ट जो बढ़ने वाला है ना मेरे प्यारे से बच्चों, इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर देखो, ये इधर से तो बढ़ेगा यार, बोलो हाँ या ना, ठीक है इधर से बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना, तो ऑब्वियसली आपकी बात परफेक्ट हो गई, बिल्कुल सही हो गई। देखो अब आप लोगों के लिए पहले 20 से पहले तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे भयंकर वाले, अब आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन हो, तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन और भी हार्ड हो सकते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया कौन सी है, मैं फिर से बता दूं बच्चों ध्यान रखना, मरुस्थलीकरण आपके सिलेबस में टॉपिक है और मरुस्थलीकरण से प्रश्न भी आते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, वनस्पति अवनयन, जल अपरदन, पवन अपरदन व जल संचरण, अब बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया यानी मरुस्थलीकरण जो बढ़ता है उसमें सपोर्ट कौन करता है, ये कहना चाह रहा है, तो उसमें जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है, तो यहां पर जो सपोर्ट करने वाला है वो है पवन अपरदन, वायु अपरदन, कौन सा अपरदन है, पवन को ही वायु कहते हैं तो वायु अपरदन है बेटा, वायु अपरदन है बेटा, कौन सा है, वायु अपरदन, इसका परफेक्ट आंसर है। ओके मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया, काजरी आफरी NATMO ने, ठीक है या फिर DST राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा ना हो, पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, फटाफट से बताइएगा अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ भाई मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राजस्थान में अहमदाबाद की बात कौन करने आ गया, फटाफट से बताओ तो वो आंसर क्या होगा,
तो वो आपका आंसर होगा शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। आंसर क्या होगा? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। और बताओ ये कहां पर है? आफरी कहां पर है? काजरी नहीं होगा, आफरी होगा भाई, काजरी नहीं होगा, आफरी होगा, जो कि कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि जो कि ये जोधपुर में है इसकी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपका इससे भी अच्छा वाला है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आफरी की जो स्थापना हुई मेरे प्यारे से बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1985 में इसकी स्थापना की गई। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक में राजस्थान में मरुस्थलीकरण के उत्तरदायी हैं? वनों की कटाई, बूंद बूंद सिंचाई, अति पशुचारण या मृदा अपरदन। देखो ए बी, ए बी सॉरी यार ए बी सी कर देता हूं मैं यहां पर, ए बी सी या ए बी डी या ए सी डी। कौन कौन से कारण है? वनों की कटाई करोगे तो होगा, पशुचारण करोगे मृदा अपरदन होगा तो भी होगा, ए बी डी, ए बी डी। भाई ऐसा काम करेंगे नहीं ना। ये देखो ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति तो बहुत बढ़िया है यार, ट्रिपल स्टैम पद्धति के नाम से इसको जानते हैं, तो बहुत अच्छी है यार। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति किसके द्वारा होती है? तो बच्चों ये होती है नर्मदा नहर परियोजना द्वारा, नर्मदा नहर परियोजना द्वारा, परियोजना द्वारा होती है, ठीक है। और बिल्कुल कहा गया है कि भाई इसी से करना है मामला, ध्यान रखना। ये आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहा है, ये आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहा है, ठीक है। अगला, त्रिकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा से, चारा भोजन जल की कमी से, भूमिगत जल वनस्पति फल की फसल की कमी से या अत्यधिक ताप से। अब बताओ यार, अब बताओ, अरे कोई करो इसे भगवान से प्रार्थना जो ये, चलो बताओ बेटा फटाफट से अगला ही क्वेश्चन। तो बच्चे अब की बार फिर से अच्छी मेहनत के साथ उतरे हैं यार, बहुत अच्छी मेहनत के साथ। त्रिकाल का संबंध किससे है? देखो अनिश्चित वर्षा तो क्यों कह सकते हो यार, क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो अकाल और त्रिकाल का मतलब होता है चारा भोजन जल की कमी, यानी अन्न जल तरण की कमी, अन्न जल तरण की कमी, अन्न जल और तरण की कमी, तरण की कमी। और सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, क्या आप लोग इंपॉर्टेंट न्यूज सुनना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैं मॉर्निंग में आपके लिए सुबह 9 बजे देखो क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, मॉर्निंग में 9 बजे मैं आप लोगों के लिए एक शानदार स्पेशल शो लेके आ रहा हूं, क्लास लेके आ रहा हूं, मतलब कह सकता हूं क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको नए जिलों के साथ, नए जिलों के साथ अपडेट करने वाला हूं, नए जिलों के साथ अपडेट करने वाला हूं, नए जिलों और पुराने जिलों में जो संबंध है उनके बारे में बात करने वाला हूं, किस प्रकार से बने हैं, किन चीजों का विस्तार इधर उधर हो रहा है। तो ये तमाम बातें कल से स्टार्ट है, सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों को इस क्लास का इंतजार किया, हाँ सर हम 9 बजे क्लास जरूर देखेंगे, जिसमें अपडेट जिले हमारे को मिलेंगे, तो फटाफट से एक बार तमगा निशान बनाकर जरूर भेजिएगा। कल से बिल्कुल अपडेट आपके नए जिले सुबह 9 बजे, ठीक है। बिल्कुल मुझे ही पढ़ना पड़ेगा भाई, अब तो आपके साथ साथ, ठीक है, अब तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहां से एक छोटा सा प्रश्न और ध्यान से सुन लो, है ना, और वो ये है, देखो बेटा अन्न है, जल है, तरण नहीं है, तो इसे बोलते हैं अर्धकाल। इसे क्या बोलते हैं? अर्ध अकाल। और आपको पता है एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था? तीजो कुरियो आठो काल से क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आ गया, तीजो कुरियो, तीजो कुरियो, तीजो कुरियो आठवों काल, आठवों काल, आठवों काल से क्या मतलब है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम तक पूछा गया चुका है, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो सुबह 9 बजे तैयार रहना, हाथ मुंह धोकर, बिल्कुल ना धोकर रेडी रहना, ठीक है, पेन कॉपी लेकर। अपन अपडेट होने वाले हैं नए जिलों के साथ, ओके। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, थोड़ा टाइम देना, आधे घंटे की क्लास दूंगा, आधे घंटे में अच्छी अच्छी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है ना। तो तीजो कुरियो आठवो काल से संबंध किससे है बताओ? तीजो कुरियो आठवो काल, तो बेटा ध्यान रखना, तीजो कुरियो आठवो काल, तो ये ध्यान रखना, तीजो कुरियो का मतलब होता है तीन वर्षों में अर्धकाल। राजस्थान में तीन वर्षों में कौन सा अकाल? अर्धकाल, अर्ध अकाल। और राजस्थान में आठ वर्षों में,
आठ वर्षों में कौन सा अकाल, आठ वर्षों में दीर्घकाल, दीर्घ अकाल देखा जाता है, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है हाल ही के अंदर। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठन की या सार्वजनिक निजी भागीदारी की। टन टन बताओ अगला ही क्वेश्चन क्या होगा। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किसकी है मेरे प्यारे से बच्चों, फिर से बता दो जल्दी से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बताओ किसकी है। श्री राधे बताओ रे मेरे प्यारे से बच्चों, यार पैर से दुखी आ गया। उत्तरी केंद्र सरकार की। अब सुनो मेरी बात, सही है पर सुनो सुनो सुनो, जब बनी थी 1977 और 78 में तो राज्य सरकार की थी, 99 के बाद ये किसकी बन गई, केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार में इसकी हिस्सेदारी है 75 और यहां पर इसकी हिस्सेदारी है 25। आई बात समझ में, तो ये इसका लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना, जिसकी भागीदारी है हिस्सेदारी उसकी ज्यादा है, जिसकी आ गई बात समझ में। क्यों भाई रेणुका, ओ लाली फटाफट से बोल, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा राज्य में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। यार ये मरुस्थलीकरण के पीछे हाथों के पड़ गया, तो बताओ कारण कौन सा नहीं है मरुस्थलीकरण का, कौन बताएगा फटाफट से बताओ, मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, अब बताओ आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा राज्य में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, अधिक, अधिक क्या, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा लिख देता हूं मैं, अधिक वर्षा, अधिक चराई, अधिक जुताई, जैविक खेती, ठीक है, अधिक अधिक नहीं, अधिक वर्षा से तो मामला बिगड़ जाएगा, अधिक अपर्दन, अपर्दन लिख देता है, अपर्दन लिख देता है, ठीक है, अब सही है, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, जैविक खेती करो ना, कुछ ने मना किया। ठीक है, मरुस्थलीकरण का प्रकार राजस्थान के किस राज्य को और हो रहा है, प्रसार, सॉरी प्रसार यार प्रकार क्या, मेरे से पढ़ाई जरा दर्द के मारे, प्रसार किस ओर हो रहा है, बताओ बच्चों किस ओर हो रहा है यार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, किस ओर हो रहा है। चलो यार बताओ फटाफट से बच्चों आंसर क्या होगा, ये मुझे पता है सब बच्चे तुक्का मारने वाले, मार दो तुक्का, पर लॉजिक तरीके से मारना, तुक्का मारो मना नहीं कर रहा, पर लॉजिकल तरीके से मारना, ठीक है, बिना बात उठा के फेंकोगे नहीं, हाँ तुक्का मारो पर लॉजिकल तरीके से मारना, ठीक है, पर मैं तुक्का मारने का मौका आपको दूंगा नहीं। देखो ये प्रसार हो रहा है, देखो हरियाणा में तो ऑलरेडी पहले से है ही, यूपी हमारे पास में है, ये हमारे पास में, और दिल्ली भी हमारे पास में है, तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा। महाराष्ट्र अपने से बहुत दूर है, गुजरात में ऑलरेडी बिल्कुल है, उत्तराखंड में मतलब नहीं है, इधर भी उत्तराखंड में मतलब नहीं है, तो आंसर आप लोग पकड़ सकते थे यहां पर किस प्रकार से होगा, तो ये आपका आंसर होगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है, बताओ, भूमिगत जल का लवणता, अनियंत्रित खनन, जलवायु परिवर्तन या वर्षा की न्यूनता, अब बताओ आंसर क्या होगा। अरे मेरे प्यारे से बच्चों फटाफट से बताओ रे आंसर क्या होगा, अरे वाह आरपी सॉलिड सॉलिड मेरे बच्चे सॉलिड। अगला, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है 100% राजस्थान सरकार, रे भाई 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 भाई, भाई करवा चुका मैं काफी बार। अगला क्वेश्चन लो, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। ओ माय डियर प्लीज इस साइड देखिएगा, ये कह रहा है कि कौन सा नहीं आता, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम नहीं आता आपको लगता है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम नहीं आता आपको लगता है, मरुस्थलीकरण के द्वंद कार्यक्रम नहीं आता, या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं आता। अरे कलाम कोचिंग भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, दादा तुम तो पढ़ो यार, फटाफट से बताओ अगले क्वेश्चन का क्या बात है, फटाफट बोलो जल्दी से, कौन सा नहीं आता, अरे भाई नहीं आता नहीं आता नहीं आता,
अरे तो ये तो बनाओ फटाफट से। अरे मेरे प्यारे से नन्हे से मान जाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, मेरी प्यारी सी सेनी रेणुका मौज कर दी भाई। ठीक है बिल्कुल आंसर होगा। देखो आप लोगों ना ये इधर देखो, इधर 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 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये गरीबी निवारण से है। ये किससे है? गरीबी निवारण से। इधर देखो इधर, ये किससे समन्वित है? गरीबी निवारण से है। ध्यान रखना पहली बात तो ये, दूसरी बात ग्रामीण विकास कार्यक्रम की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रारंभ हुआ 1980 में, 1980 में। ठीक है तो ये ध्यान रखना, आप लोग गलती कर रहे हो। निम्न में से कौन सा एक कार्यक्रम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता? तो ये गरीबी निवारण से, इसके विकास कार्यक्रम के मरुस्थल से इसका रिलेटेड संबंध नहीं है, ये गरीबी को कम करने से है। ठीक, अब ऐसे मत कह देना कि सर ये विकास ही तो कर रहे हैं गरीबों का, ऐसे बिल्कुल मत कह देना देवी देवताओं, क्योंकि ये पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर है आप लोगों का, गरीबी निवारण से है। तो ध्यान रखना इसका संबंध इससे है। अगला राजस्थान में, ये तो मैं बताऊंगा। अगला राजस्थान में किस वर्ष अकाल सूखा प्रभावित गांवों में 36 संख्या अधिकतम थी? ये तो 36 ले गया, मैं तो 32 पे अटका था। ये तो 36 ले गया, मैं तो 32 पे ही था। काट दो इस 36 को, गलत करवा देगा आपका। मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। 36 काम कर बिगाड़ देगा आपका, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची कह रहा हूँ। थर्टी सिक्स से तो क्या मतलब है यार, ना ना इसको 32 कर देता ना बच्चों। अरे नहीं है, नहीं है 36 थी नहीं यार, 32 थी गांव की संख्या। और गांव है यार, जिले थोड़ी है, गांव है यार, जिले थोड़ी है। मैं ही चौंक गया था। अरे भाई गांव है जिले थोड़ी है, हाँ गांव है जिले थोड़ी है, तो गांवों के अंदर। तो अब आपकी बारी, बिल्कुल सही है 9-10 में। अगला राजस्थान में 2020-21 में कितने अकाल प्रभावित हुए? 9, 21, 10 या 6 कितने जिले अकाल प्रभावित हुए थे 20 और 21 में? अकाल प्रभावित जिले की संख्या कितनी है 20 और 21 में? अकाल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है फटाफट से बताओ यार, अकाल प्रभावित जिले कितने थे 20-21 में? 2020-21 में अकाल प्रभावित जिले की संख्या कितनी है, कौन बताएगा? कि सर सुनो ना महाबेटा, बोलो ना, हम बताएंगे, आप ही बताओ कितनी संख्या थी, फटाफट से बताओ भाई कितनी संख्या थी। अरे द्वार पालो, अरे राम, अरे वो संख्या थी 6, कितनी थी 6 थी। अरे नहीं रे 6। ध्यान रखना राजस्थान में 2020 और 21 की अगर अपन बात करें तो कितने जिलों में अकाल प्रभावित जो बात होती है वो कितनों की होती है? वो होती है आपके यहाँ पर 6 जिलों की। अगला ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना का आरंभ हुआ 1995, 1993, 2001, 2002, 2007 में। अब बताओ आपका आंसर। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो थोड़ी देर में बैठ के पढ़ा लूं आप लोगों को, बताओ पढ़ा लूं यार। आप लोगों की आज्ञा हो तो, ये ऊंची नहीं हो रही, कुर्सी मना कर रही है। अरे राधे, ठीक है ये कुर्सी नीचे है पर कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जुड़कर पढ़ाने की। सुनो जी रेणुका, बीबी कर रही है, आंसर सी है और कर रही है बीबी। अरे नहीं रे गुड़िया, नहीं होगा रे मेरी लाली, नहीं होगा, आंसर होगा 2001 और 2। ठीक है सुनो मेरी बात, अरावली वृक्षारोपण परियोजना का आरंभ कब किया गया? 1 और 2 में किया गया था। ठीक है, ठीक है ना, कितना कितना होगा आंसर? 2001 और 2002 होगा।
ओके क्लियर, आंसर सही करो अपना फटाफट से। अगला क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र में विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? 3, 4, 2, 5 बताओ। अगला क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे से बच्चों। लाइक और शेयर भी कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, अभी थोड़ी देर में खड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा पैर को होश आ जाने दो, ये बेहोश हो गया। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से बताओ, मैं दूंगा आप लोग नहीं दोगे तो, क्योंकि भावेश का आंसर अब की बार बहुत अच्छा है। सर ने कहा कि, उसने कहा कि सर दो, अब वो समझ चुका है कि सर यहां पर मेवात प्रदेश में दो ही तो जिले आते हैं, तो बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर, अलवर और भरतपुर, बिल्कुल सही है आंसर, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है कि मेवात प्रदेश में जिले कितने आते हैं, दो आते हैं, तो आंसर क्या होगा, अलवर और भरतपुर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट का कारण है, वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण, जल प्रदूषण, खनिज खनन, ओतरी, तगड़े कारण भाई, बताओ क्या कारण है अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट का कारण क्या है, कौन बताएगा, बोलो हम बताएंगे, हम बताएंगे। अनिल क्या हाल है भाई, तो अनिल सुन मेरी बात ध्यान से, ए बी और डी होगा, सी ऑप्शन होगा, रुको रुको मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस चीज को। अरावली की बात की अपन ने, संकट के कारण कौन से, तो ए बी और डी यहां पर आंसर होगा। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ओहो मैं क्या पूछू यार, क्या बताऊं मैं, ठीक है कोई बात नहीं, अलवर भरतपुर। निम्नलिखित वर्षा में से किस वर्षा वर्ष के, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी? 9, 10, 4, 5, 13, 14, 91, 92। अब बताओ, अरे मूड खराब क्यों कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं, मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा बच्चों, आप लोग क्या चाहते हो कि मैं आप लोगों का भला नहीं सोचूंगा क्या, बहुत अच्छे से सोचूंगा यार। आप लोगों का भला सोचूंगा, इसलिए क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन कराता। निम्न वर्षों में से किस वर्ष के अकाल राजस्थान में सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं, तो इनमें से अगर मैं सर्वाधिक की बात, इनमें से अगर सर्वाधिक की बात, तो 2009 में, और जिलों की संख्या 27, बिल्कुल 9-10 में, और जिलों की संख्या कितनी है 27, जिलों की संख्या कितनी है 27 जिले यहां पर आंसर होंगे, 27 होंगे, पर्टिकुलर परफेक्ट है, डन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के समन्वित नहीं है, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित नहीं है। ओके थैंक यू राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ आंसर क्या होगा, ओके मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी योजना, क्या मतलब है रे सामाजिक वानिकी योजना से, डी ऑप्शन परफेक्ट होगा मेरे प्यारे से बच्चों, परफेक्ट आंसर आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जनसंख्या वृद्धि जिला दर प्रतिशत किसकी सर्वाधिक 2001-11 के मध्य 10 की रही है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बांसवाड़ा की। अब पॉपुलेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं, जनसंख्या के क्वेश्चन आ चुके हैं, डरोगे तो नहीं ना, क्यों रे अनिल भाई फटाफट से बताओ, डरोगे नहीं ना, भावेश, अनिल, रणवीर, तेज, फटाफट से बताओ डरोगे तो नहीं ना, क्वेश्चन आ गए पॉपुलेशन के, क्वेश्चन आ गए जनसंख्या के, सर नहीं डरेंगे बोल दो एक बार,
बताओ जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। कितनी? 32.5 होगा आंसर। ठीक है, तैयार हो? चलो एक बार फटाफट से जितने बच्चे हैं जल्दी से एक बार थंब का निशान बनाकर भेजिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयार है, जो कि तैयार है पॉपुलेशन की क्वेश्चन करने के लिए। यार बच्चों, यार बीच बीच में आप लोग है ना थोड़ा मोटिवेशन खुद भी बढ़ाया करो, है ना, हमारी बढ़ाना पड़ता है सारा ही। चलिए स्टार्ट कीजिएगा अगला क्वेश्चन। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक बात और बता सकता हूं कि ये ध्यान रखना 32.5 तो किसकी है? 32.5 तो बाड़मेर की है सर्वाधिक, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ राजस्थान की कितनी प्रतिशत है तो राजस्थान की 21.3% होगा। राजस्थान की कितनी है? 21.3%। अगला, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ाया? 18, 24, 2 या 12? अब बताओ आंसर क्या होगा। दो ही बच्चों ने कहा कि हम रेडी है, बाकी तो घबरा गए। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ, बताओ भाई, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला बढ़ी? 18, 24, 2, 12? अब मुझे पता है आप लोग क्योंकि जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में बहुत भेग आते हो, जो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो बताओ 2001 में कितनी थी? अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ 2001 में कितनी थी? अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्या 2021 पर 24 होगा आंसर इसमें, 24। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों का उच्चतम एवं निम्न जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में मध्य अंकित किया गया? जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, गंगानगर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। अब बताओ फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, वहां पर बात किसकी हो रही, ग्रामीण की लिंगानुपात, नगरीय क्षेत्रों की बात हो रही है, तो नगर में 24 होगा। चलो अब बताओ अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से। राजस्थान में उच्चतम एवं निम्नतम दोनों ही बात करी है उसने, उच्चतम की बात भी की है, निम्नतम की भी बात की है, दोनों बात की है उसने, उच्चतम और निम्नतम। तो बिल्कुल आंसर होगा बाड़मेर गंगानगर, क्योंकि अपन ने पढ़ा 32.5% और इधर है केवल 10%। इधर कितना परसेंट है? केवल 10% है। इधर कितना परसेंट है? 10% है। अगला, 2001 से 11 के दशक में राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, सबसे कम वृद्धि दर किसका रहा, न्यूनतम किसका रहा, सबसे कम वृद्धि दर किसका रहा, ये बताओ। झुंझुनू, गंगानगर का, बूंदी का, पाली का, बताओ किसका रहा सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या दर किसका रहा। गंगानगर का, क्योंकि अभी अभी बात हुई है हमारी, पाली का बता दो यार, बच्चे कोशिश पूरी कर रहे हैं, गंगानगर का रहा क्योंकि अभी अभी बताया मैंने। राजस्थान में जिले में 2011 में जनसंख्या दर्शित दर न्यूनतम रही, बिल्कुल, ये तो जनसंख्या गंगानगर, ठीक है। अगला, 2001 गंगानगर में कितने, 10% वृद्धि दर कितनी थी, 10। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात 0 से 6 था, 874, 892,
9333911। अब बताओ आंसर क्या होगा। ग्रामीण वर्ड यूज किया उसने, ग्रामीण वर्ड यूज किया है, ग्रामीण वर्ड यूज किया है, ध्यान रखना, ग्रामीण वर्ड यूज किया है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। और ग्रामीण वर्ड यूज होने पर यह होगी, शहरी वर्ड होने पर यह होगी, और राजस्थान वर्ड यूज होने पर 888 होगी। तीनों ध्यान रखना, तीनों चीजों में अलग अलग है, ओके, तीनों में बात यहां पर अलग अलग प्रकार से की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? झुंझुनू, धौलपुर, गंगानगर, दौसा, किस में था? अब बताओ आंसर क्या होगा। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस में था? हाँ हाँ बिल्कुल, झुंझुनू में 837 कितना था? 837। बात यहां पर किसकी हो रही है? आयु वर्ग में 0 से 6 बच्चों की बात हो रही है यार, ठीक है, तो 837 था। अगला, 2001 से 2011 के बीच में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 30% से अधिक, सेम वही बात घुमा फिरा कर पूछिए इसने, ठीक है, तो बताओ फटाफट 30% से अधिक में आंसर क्या आएगा? 30 से अधिक तो 32 होता है ना, 30 से अधिक तो 32 होता है ना, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्न में से 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम बताओ, बढ़ता क्रम बता दो कौन सा आएगा। जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर, फिर से जैसलमेर लिख दिया, आगे जाके देखो कितना डेंजर है लिखने वाला, टाइपिस्ट वाले भैया क्या चाहते थे। हाँ सही है रे, सही है, पर यहां पर इसको हटाओ यहां से, सही है, क्यों घबरा रहे हो? अरे सही है, परफेक्ट है, अच्छा है। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों की सही अवरोही क्रम, ये लो फिर से, अब बताओ, सर्वाधिक बोला है, सर्वाधिक बोला है, अब बताओ आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, फटाफट से बताइएगा अब आंसर क्या होगा। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम बताओ क्या होगा। बी ऑप्शन बता रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, परफेक्ट है। अगला, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है, आराम से और तसल्ली से बताइएगा, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना? शहरी बोला उसने, शहरी वर्ड यूज कर दिया है पहले ही। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसने शहरी वर्ड यहां पर यूज किया है, ध्यान से सुनना, शहरी वर्ड यूज किया है। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, कल भी जनसंख्या ही क्वेश्चन करवाऊंगा, सुबह 9 बजे के लिए मैंने बता दिया है, सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं, बिल्कुल नए जिले से जुड़ी हुई, ठीक है ना, तो यहां पर बताओ आंसर क्या होगा। तो यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं अलग अलग टाइप से, बी ऑप्शन बच्चों ने चुना है, तो जिन्होंने बी चुना है ना बधाई हो, वो बधाई के पात्र है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, किसकी क्वेश्चन और भी है, ऐसे न घबराए, इधर देख सकते हो आप साइड में मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है पॉपुलेशन से रिलेटेड,
और करवाऊंगा मैं कल आपको एक सारे कंप्लीट करवाऊंगा ज्योग्राफी के जो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन पॉपुलेशन के कल हो रहे हैं, कल भी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को इंतजार है बिल्कुल सही तरीके से जुड़े रहिएगा। अब बच्चों चलने का टाइम हो चुका है, विदा लेने का टाइम हो चुका है आप लोगों से, मन तो नहीं कर रहा पर आगे और भी क्लास लेनी है, उसके बाद उसके अंदर एंट्री करनी है। तो बच्चों फटाफट से एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करने करके जाइएगा जाने से पहले, और अगर बाद में भी देखते हो तो लाइक और शेयर तो कर दिया करो। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन फटाफट से कमेंट्स करके बताओ जल्दी से। बाय बाय बाय। हाँ जय हिंद जय भारत बोल के जाया करो मेरे साथ, ठीक है। हाँ क्योंकि वैल्यू आज की दुनिया में दो ही सबकी है वैसे तो, पर किसान और जवान दो की वैल्यू तो थोड़ी अलग हटके ही है। तो हालांकि वैल्यू सबकी, अध्यापक की भी वैल्यू है अपनी जगह पर, इंजीनियर की भी है, डॉक्टर की भी है, इनके बिना सब हम अधूरे हैं। तो ये तो कह ही नहीं सकते जय डॉक्टर की, जय उनकी, पर जय हिंद जय भारत वगैरह तो अपन बोल ही सकते हैं, भारत माता की जय तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।